चलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ मैथ्स के। हमारे तीन टॉपिक्स का हम रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। फर्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड इज इनइक्वालिटी एंड थर्ड इज लॉगरिथम। ठीक है बच्चों, और तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बच्चों, चैप्टर में बता दूं आपको कि जो अपना सीए फाउंडेशन के अंदर जो क्यूए है पेपर थ्री, उसमें जो मैथ्स है, मैथ्स में हमारा चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और बच्चों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 30% to 40% इसका वेटेज है, मतलब अप्रोक्स 12 to 16 मार्क्स के एमसीक्यू बच्चों आपको इस एक चैप्टर में से मिलने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमको रिविजन करना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिविजन। और इसमें ध्यान रहे बच्चों, आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 10 कॉन्सेप्ट यहां पर आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पे 10 कॉन्सेप्ट हमको सीखने। फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सेकंड नंबर पर आएगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड नंबर पर आएगा बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ नंबर पर आएगा बच्चों स्क्रैप वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। और फिफ्थ नंबर पर आएगा बच्चों एन्यूटी वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब एन्यूटी के अंदर भी बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी और दूसरा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। ठीक है बच्चों, एन्यूटी में कितना टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो होता है, इसके अंदर भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है एन्यूटी रेगुलर और दूसरा एन्यूटी इमीडिएट। ठीक है, अच्छा, सिक्स्थ नंबर पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज हम परपेचुटी के बारे में बात करेंगे। हम परपेचुटी भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक होता है सिंपल परपेचुटी और दूसरा होता है बच्चों ग्रोइंग परपेचुटी। सिंपल परपेचुटी और ग्रोइंग परपेचुटी, सिंपल परपेचुटी एंड ग्रोइंग परपेचुटी, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ नंबर पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज हम बोल सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड वाले क्वेश्चंस। एट्थ नंबर पे जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज एनपीवी कॉन्सेप्ट। नाइन्थ नंबर पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो। टेंथ नंबर पे आएगा बच्चों रियल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने वाले क्वेश्चन। तो बच्चों ये इतने टाइप के क्वेश्चन हमको यहाँ पे सीखने हैं, इस चैप्टर के अंदर रिवाइज करने हैं। अब क्या होता है कि बच्चों जब भी हम रिविजन करने बैठते हैं, तो हम ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्क्रैप वैल्यू, एन्यूटी, यहां तक हम रिवीजन करते हैं और इसके बाद हमको लगता है कि चैप्टर खत्म हो गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको पूरे 10-10 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। 10 में से कोई भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेट स्टार्ट, हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। हम फास्ट ट्रैक रिविजन करने वाले हैं बच्चों, तो खास ध्यान समझेंगे। चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो बच्चों देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमको है ना, सिंपल इंटरेस्ट में हमको 6 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमको 6 फॉर्मूला हमको ध्यान रखने हैं। ये 6 फॉर्मूले में से ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, ठीक है ना, सबको पता होगा।
आई इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है पी आर एन अपॉन 100। यहाँ पे आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहें, सम कहें या प्रेजेंट वैल्यू कहें, तीनों का मतलब सेम होता है। आर का मतलब होता है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। हाँ, और सेकेंड नंबर पे अगर आपको अमाउंट फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, यस। और फोर्थ नंबर पे अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करना हो इंटरेस्ट फाइंड किए बिना तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर एन अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर एन अपॉन 100, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे बच्चों हमारा फॉर्मूला आता है इसमें क्या, व्हेन डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन फॉर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इयर्स। जब अलग अलग नंबर ऑफ इयर्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हो तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर वन इंटू एन वन प्लस आर टू इंटू एन टू प्लस आर थ्री इंटू एन थ्री अपॉन 100। ओके बच्चों, ये ध्यान रहे। और अगर इसी केस में अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना हो सिक्स फॉर्मूला, तो ध्यान रहे बच्चों अमाउंट फाइंड करना हो तो 1 प्लस आएगा, इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो 1 प्लस नहीं आएगा। तब अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो इसमें से 1 प्लस को हटा दो, तो 1 प्लस को हटा देंगे तब ये क्या बचेगा, देखो गौर से, तो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या, पी ब्रैकेट में 1 प्लस हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, आर वन इंटू एन वन प्लस आर टू इंटू एन टू प्लस आर थ्री इंटू एन थ्री अपॉन 100, ठीक है बच्चों। तो अमाउंट फाइंड करना हो तो 1 प्लस आएगा, इंटरेस्ट फाइंड करना तो 1 प्लस नहीं आएगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये 6 फॉर्मूले बच्चों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले में से कोई भी क्वेश्चन होगा सिंपल इंटरेस्ट का तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आईसीआई मॉड्यूल है, आप लोग के पास आईसीआई मॉड्यूल होगी, नहीं होगी तो नवकाश पाल में जो क्वेश्चन है वो आईसीआई मॉड्यूल के ही बच्चों, ठीक है। पर मैं यहाँ पे आपको आईसीआई मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चन कराने देना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखो बच्चों, तो ध्यान से मतलब अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, लेट से सपोज हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट, ये पी, ये फर्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे क्या दिया, पी प्रिंसिपल दिया 12,000, अमाउंट दिया 16,500, टी दिया है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर मतलब 2.5 ईयर्स, एंड हमको क्या फाइंड करना बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें से अगर बात करें क्वेश्चन आपको दिया है पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना 12,000, अमाउंट कितना दिया है 16,500, एन कितना दिया है बच्चों 2.5 ईयर्स, और हमको आर फाइंड करना। अब इस पे से हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमको इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो तो अमाउंट कितना 16,500 माइनस 12,500 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा 4,500 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब खाली फॉर्मूला लगा दो, आई इज इक्वल टू कितना बच्चों, पी आर एन अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा दोगे तो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इंटरेस्ट कितना 4,500, प्रिंसिपल कितना बच्चों 12,000, आर कितना नहीं पता, एन कितना 2.5 अपॉन 100। ओके बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया, आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर आप गौर से देखो तो 4,500 इज इक्वल टू कितना, 120 इंटू 2.5 करोगे तो बच्चों कितना आएगा 300, तो 300 इंटू आर। अब ये 300 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 4,500 डिवाइड बाय 300 करेंगे बच्चों तो आर कितना आएगा 15%। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रेट फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से मतलब ये फॉर्मूले में कभी आपको ना देखो चार में से कोई भी तीन वैल्यू दी होगी और एक वैल्यू आपको पूछी होगी, है ना। कभी आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो कभी आपको अमाउंट फाइंड करना होगा तो कभी प्रिंसिपल फाइंड करना होगा तो कभी रेट, कभी एंड, खाली फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, ये आर मिल गया अपने को। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लेते हैं इसमें से। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देखो क्या लिखा है ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं, 9 नंबर क्या लिखा है बच्चों ध्यान से पढ़ो।
सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन टू ईयर्स एंड 7,400 इन थ्री ईयर्स, मतलब दो साल में अपनी अमाउंट कितनी होती है बच्चों 6,200 और तीन साल में अपनी अमाउंट कितनी होती है 7,400, देन प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ना बच्चों। तो दो साल की अमाउंट दी और तीन साल की अमाउंट दी और क्वेश्चन सोल्व करना है, तो गौर से देखो क्या करेंगे बच्चों, आपको दिया है दो साल की अपनी अमाउंट है 6,200, मतलब अगर आज आप कुछ पैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हो, दो साल के बाद अगर पैसा बैंक से उठाओगे तो कितना मिलेगा 6,200, और तीन साल के बाद अगर आप पैसा बैंक से उठाते हो तो आपको कितना मिलेगा बच्चों 7,400। अब आपको जानना चाहते हो कि व्हाट इज द प्रिंसिपल कितना एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको ये फाइंड करना है कि प्रिंसिपल कितना और रेट कितना बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये तीन साल का अमाउंट है ना, हाँ, तो हम यहां एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वन ईयर इज इक्वल टू आई रुपीज, हमारा वन ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों आई रुपीज है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो बोलो तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है एवरी ईयर अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम, हर साल सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आई रुपीज है, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना होगा आई रुपीज, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना होगा आई रुपीज, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट भी कितना होगा आई रुपीज, तो दो साल का इंटरेस्ट 2i, थ्री ईयर का इंटरेस्ट 3i। तो बोलो ये अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तीन साल का अमाउंट मतलब पी प्लस 3i, प्रिंसिपल में तीन साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो तीन साल के बाद की अमाउंट मिलेगी यस, तो पी प्लस 3i कितना 7,400, फिर दो साल की अमाउंट मतलब बच्चों क्या पी प्लस टू आई कितना है 6,200। अब एलिमिनेशन मेथड कर दो बच्चों, तो करेंगे तो माइनस 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 अब कैंसिल कर दो, गौर से देख लो, तो अब यहां पे देखोगे तो ये प्लस पी माइनस पी कैंसिल होगा, 3i माइनस 2i करेंगे तो i i इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1200, i मिल गया। अब i की वैल्यू को आप रख दो कोई भी इक्वेशन में, है ना, छोटे वाले में रख देते हैं p प्लस 2, i की जगह लिखो बच्चों 1200 इज इक्वल टू 6,200। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 2400 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यस, तो हमारा p प्रिंसिपल कितना आएगा बच्चों 3800, पी प्रिंसिपल मिल गया 3800 यस बच्चों। अब ये पी प्रिंसिपल मिल गया, आई इंटरेस्ट कितना है बच्चों 1200 रुपए इंटरेस्ट है यस, और ये इंटरेस्ट कितने साल का वन ईयर का है, क्या पूछा आर पूछा है, तो या तो आई इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 में फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, या फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि भाई 1200 3800 का कितना परसेंटेज है, ठीक है ना बच्चों, तो आर इज इक्वल डायरेक्ट निकाल लो 1200 डिवाइड बाय 3800 और इनटू 100, ठीक है ना बच्चों यस yes. तो अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा देख लो 31.57% समथिंग अपना आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो पी प्रिंसिपल आ गया 3800 और रेट आएगा 31.57%। आई थिंक बच्चों यहां तक अब कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है इतना 100%। अच्छा अब आगे बढ़ते बच्चों, देखो ध्यान से आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो देखो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में पहले 10 नंबर एक क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स, 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, देन द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, डबल होता है 10 साल में तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा, ऐसा पूछा है ना बच्चों, हाँ, तो क्या करेंगे डबल होता है 10 साल में तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों ध्यान से पढ़ो, डबल होता है 10 साल में ना, मतलब आज अगर मान लेते प्रिंसिपल 100 है तो प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना 200, कितने साल में 10 साल में, तो 100 का 200 कितने साल में हुआ बच्चों 10 इयर्स में, ठीक है ना, हाँ, अब हमको क्या चाहिए कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा यस, तो 100 का 200 तो मुझे बताओ बच्चों इंटरेस्ट कितना मिला, अगर मैं इंटरेस्ट के बारे में बात करूं बच्चों इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर तो इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों 100 रुपए। अब मुझे बताओ बच्चों 100 रुपए इंटरेस्ट कमाने में टाइम कितना लगेगा 10 साल, है ना। अब क्या पूछा है कितने साल में अमाउंट ट्रिपल होगा, ट्रिपल का मतलब क्या है बच्चों 100 का 300, तो 100 का 300 कितने साल में होगा, तो इंटरेस्ट कितना बच्चों 200, 100 का 300 तो इंटरेस्ट कितना 200। अब मुझे बता बच्चों 100 रुपए इंटरेस्ट कमाने में 10 साल लगता है तो 200 रुपए इंटरेस्ट कमाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो अपना आंसर आएगा n इज इक्वल टू
200 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, सो एन इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 20 ईयर्स। डन बच्चों, ये हो गया। 100 रुपए इंटरेस्ट कमाने में 10 साल लगते हैं, तो 200 रुपए इंटरेस्ट कमाने में कितना टाइम लगेगा, तो अपना आंसर आएगा 22 ईयर्स, है ना, 20 ईयर्स। आप चाहो तो इसमें शॉर्टकट मेथड भी थी, मैंने आपको बताया था क्या करना है, जो भी पूछा है ना कि जितना भी टाइम पूछा हो, यहाँ पे क्या बोला, ट्रिपल पूछा है ना, तो नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी टाइम पूछा हो उसमें से कम कर दो, फिर इंटू पीरियड फॉर डबलिंग द इन्वेस्टमेंट। बोलो डबल करने में कितना लगता है, 10 साल। तो आपको अगर पूछा तो 3 - 1 * 10, तो अपना आंसर 20 ईयर्स। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा कितने साल में आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा, तो हम क्या करते हैं, 8 - 1 * 10 डबल होता है 10 साल में, तो 8 टाइम कितने टाइम में होगा ऐसा पूछा होता, तो 8 - 1 * 10, तो 70 ईयर्स हमारा आंसर होता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा था कि आपका पैसा 20 टाइम्स कितने, 10 ईयर्स में डबल होता है, तो 20 ईयर्स में 20 टाइम्स कितने टाइम में होगा, तो हम 20 - 1 * 10 ऐसा कर देते, तो हमारा आंसर 190 ईयर्स आया था। ओके बच्चों, तो ये था कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारे फॉर्मूले भी हमने डिस्कस कर दिए, थोड़े बहुत हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, जिससे कि आपको बताया कि आज फास्ट ट्रैक रिविजन है, तो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, पर मैं चाहूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके रिवाइज करा दूं। अगर एक बार आपको पूरा एक बार देखना है ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, 3 तक बोल दो स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। ओके 1, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ओके अब दिख रहा है सर, है ना सर, ठीक है। ओके बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, डन। ओके अब इसके बाद इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, तो आप ले सकते हो, ऐसे तो आपके सब सॉल्यूशन हो गई। ओके बच्चों, डन, क्लियर है इतना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया, बात कर लेते बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r^n। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r। इसमें a का मतलब क्या है, अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अमाउंट कहा हो, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहा हो, फ्यूचर वैल्यू कहा हो या फाइनल वैल्यू कहा हो, चारों का मतलब सेम है। P का मतलब P प्रिंसिपल, सम और प्रेजेंट वैल्यू, तीनों का मतलब सेम है। R का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्मॉल R कैसे मिलता है बच्चों, स्मॉल R का मतलब होता है कैपिटल R अपॉन 100। मतलब अगर आपको बोले कि कैपिटल R 12% है, तो स्मॉल R कितना आएगा, 12 अपॉन 100, तो 0.12 बोलेंगे, है ना। और स्मॉल R दिया हो, कैपिटल R पूछा हो, तो इंटू 100, ठीक है बच्चों। अच्छा और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा बोलो सर कैपिटल एन और स्मॉल एन में क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं, कैपिटल कभी क्वेश्चन में कैपिटल लिखा होगा तो कभी क्वेश्चन में स्मॉल एन लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम होता है, ये अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। फिर अगर आपको डायरेक्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा अगर आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो अमाउंट फाइंड किए बिना, तो उसका हमारा फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r^n - 1, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, अलग अलग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन फॉर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इयर्स, देन इन दैट केस हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r^1 - n^1 * 1 + r^2 - n^2 * 1 + r^3 - n^3, ये हमारा बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे यहां तक क्लियर है, हाँ। अगर अलग अलग नंबर ऑफ ईयर के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसी में आगे बढ़े, अगर आपको बताइए बच्चों कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला हो, तो साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड, अगर आपको बोला होता है कंपाउंडेड एंड नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड, नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। अगर कंपाउंड हाफ ईयरली बोला होगा, तो इसका मतलब क्या है,
कंपाउंड हाफ ईयरली बोला होगा तो एवरी हाफ ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी हाफ ईयर इंटरेस्ट मिलेगा तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, दो बार, तो के इज इक्वल टू लेंगे। कंपाउंड क्वार्टरली बोला हो तो बच्चों क्वार्टरली मतलब साल में चार बार इंटरेस्ट मिलेगा तो के इज इक्वल टू फोर बोलेंगे। कंपाउंडेड मंथली बोला हो तो एवरी मंथ इंटरेस्ट मिलेगा तो साल में कितनी बार, 12 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो भी किया आएगा ना आपको क्या करना है बच्चों, आर डिवाइड बाई के और एन मल्टीप्लाई बाई के, क्या बच्चों, आर डिवाइड बाई के और एन मल्टीप्लाई बाई के, ठीक है बच्चों। ये था, ध्यान रहे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ध्यान रहे बच्चों। अब क्या करना है खास ध्यान समझोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक रूल होता है रूल 72। ये रूल 72 का अप्लाई होगा बच्चों, जब भी क्वेश्चन में क्वेश्चन किसका हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो और आपको बोला हो कि कितने साल में पैसा डबल होगा, डबल करने की बात करियो ना बच्चों, तो क्या करते हैं रूल 72 अप्लाई होता है डबल, मतलब उसमें फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू रूल 72, इसलिए 72 अपॉन आर, और आर पूछा हो तो 72 डिवाइड बाय एन। पर ध्यान रहे बच्चों ये रूल ओनली किसके लिए अप्लीकेबल है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और डबल करने की बात हो तो, मतलब ऐसा पूछा कि कितने साल में पैसा डबल होगा या किस रेट पे पैसा डबल होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू 72 अपॉन आर एंड आर इज इक्वल टू 72 अपॉन एन। और बच्चों ये जो भी अपना आंसर आएगा ना ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ये अपना आंसर कैसे आएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर मतलब एक्चुअल आंसर में डिफर फ्रॉम द एक्चुअल आंसर जो होगा वो इसके पास का होगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं बोलू कि अगर आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो 72 अपॉन 8 तो 9 इयर्स, तो अप्रोक्स 9 इयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अप्रोक्स 9 इयर्स का मतलब हो सकता है 8 इयर्स 7 मंथ, 8 इयर्स 9 मंथ, 8 इयर्स 10 मंथ, है ना, उसके पास का आंसर होगा। और अगर आपको ऐसा बोले कि 6 साल में पैसा डबल होता है तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर इज इक्वल टू 12% अप्रोक्स। समझ रहे हो बच्चों, आई थिंक ये क्लियर हो गया। रूल 72 किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो और डबल करना हो। अच्छा अगर मैं बोलू सर ट्रिपल की बात की हो तो क्या, तो उसके लिए रूल 115। ध्यान रहे बच्चों रूल 115 किसके लिए अप्लीकेबल होता है, रूल 115 जो है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो और क्वेश्चन में क्या हो रहा हो, ट्रिपल कितने टाइम में होगा, तो हमको रूल 115 यूज करना है। अब रूल 115 क्या बोलता है, एन इज इक्वल टू 115 अपॉन आर एंड आर इज इक्वल टू 115 अपॉन एन कंपाउंड इंटरेस्ट में। और ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ये जो आएगा वो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। मतलब एक्चुअल आंसर कौन सा होगा, मतलब इस तरीके से पहले आंसर निकाल लो फिर इसके पास का जो ऑप्शन है वो चूज कर लो। लेकिन सर अगर सारे ऑप्शन पास पास में दिए हो एक, तो फिर हमको एक्चुअल मेथड करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। यस अब बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया। फॉर एग्जाम्पल दे दूं आपको, लेट्स से आर इज इक्वल टू बोलो 5% है, तो बोलो कितने साल में पैसा हमारा ट्रिपल हो जाएगा। अगर बैंक में आप बैंक में एफडी का रेट 5% है, आप जानना चाहते हो कि कितने साल में पैसा ट्रिपल होगा, तीन गुना कितने टाइम में होगा, तो आर 5% है ना, तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा ऐसा पूछा है, तो क्या करेंगे 115 अपॉन 5 तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 23 इयर्स। तो अप्रोक्सीमेट 23 इयर्स में बच्चों आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यस ये होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। यस सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर आपको रूल चाहिए तो मैं आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट के लिए कौन सा रूल है, रूल 100। ये किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट हो और क्वेश्चन में पूछा हो डबल कितने टाइम में होगा, डबल के लिए रूल 100 है। मतलब यहां पे पूछा हो कि कितने साल में पैसा डबल होगा, तो हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 100 अपॉन आर और आर इज इक्वल टू 100 अपॉन एन। क्या बच्चों अगर आपको डायरेक्टली ऐसा बोला हो इतने साल में पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा, ठीक है, और या किस रेट पे पैसा डबल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली, और ये जो आंसर आएगा ना बच्चों ये एक्चुअल आंसर आएगा, मतलब ये जो आंसर आएगा इसमें कोई अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं, यही एक्चुअल आंसर होगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 20% है सिंपल इंटरेस्ट पे तो कितने साल में पैसा डबल होगा, तो 5 इयर्स। समझ रहे हो उतना, हाँ अगर मैं बोलूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है तो कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 8 इयर्स, है ना, 100 अपॉन 12.5। समझ गए बच्चों, अरे बोलो आई थिंक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। सर डबल के लिए, ट्रिपल के लिए कौन सा रूल है, तो ट्रिपल के लिए भी मैं आपको रूल बता दूं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो बच्चे देखो ट्रिपल के लिए बात करूं तो रूल 200, रूल 200 जो होता है ना वो किसके लिए होता है, रूल 200 जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में और ट्रिपल के लिए,
मतलब कितने साल में पैसा तीन गुना हो जाएगा बच्चों, थ्री टाइम्स। तो यहां पे क्या है, एन इज इक्वल टू 200 अपॉन आर, एन आर इज इक्वल टू 200 अपॉन एन, और ये जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर आएगा, मतलब यही आंसर आपको ऑप्शन में चेक करना है। ठीक है, पक्का क्लियर है? हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो कितने साल में पैसा तीन गुना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 200 अपॉन 10, तो 20 ईयर्स में पैसा तीन गुना हो जाएगा, समझ रहे हो? और मैं ऐसा बोलूं कि 15 साल में पैसा ट्रिपल होता है तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर कितना आएगा, 200 अपॉन 15 कर दो, है ना। तो जो भी अपना आंसर आएगा वो सॉल्व कर देंगे इसको, जो भी आपका आंसर आए। ये 15 की जगह मैं एक काम करता हूँ 20 ले लेता हूँ, तो इजी रहेगा। मान लो ऐसा बोला हो कि 20 ईयर्स में पैसा तीन गुना होता है तो टाइम कितना लगेगा, रूल 200 लगा दो, तो 200 अपॉन 10, 20 ईयर्स, अप्रोक्स 20 ईयर्स में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा, और सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो रेट 20% हो जाएगा, यहाँ पे आर अपना आ जाएगा 20%। क्लियर है मतलब बच्चों? तो ये ध्यान रहे कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा रूल, रूल 72 और रूल 115 है, डबल के लिए रूल 72, ट्रिपल के लिए रूल 115। ठीक है बच्चों? हाँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट में रूल 72, रूल 115, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में डबल के लिए रूल 100 है और ट्रिपल के लिए रूल 115 है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें? ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते बच्चों। अब ये था, हमने बता दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, देखो ध्यान से। अब हम आगे बढ़ते बच्चों, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना हो अपने को, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें, अगर इसमें आपको लॉग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, अगर आपको लॉग की वैल्यू फाइंड करनी हो, लॉग की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 13 टाइम्स रूट केएलसी पे अगर आपको लॉग की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या आएगा, 13 टाइम्स रूट माइनस 1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है लॉग की वैल्यू फाइंड करने का। फॉर द एग्जाम्पल अगर आपको 2 का लॉग निकालना है तो अपना आंसर 0.3010 आता है। चेक करना हो तो कर लो, क्या करेंगे, पहले 2 तो उठाओ केएलसी, पहले 2 लिखो, फिर 13 टाइम्स रूट करो माइनस 1 और फिर इंटू 3558 इज इक्वल टू करके देख लो, 2 लिखा, 13 टाइम्स रूट किया, फिर माइनस 1 किया, फिर इंटू 3558 इज इक्वल टू करके देखो, तो आपका आंसर 0.3010 आना चाहिए। आ रहा है ना बच्चों? यस। चलो, अगर ये है लॉग की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर आपको nth रूट फाइंड करना हो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है केएलसी पे, अगर आपको nth रूट, nth रूट का मतलब को क्यूब रूट फाइंड करना हो, है ना, सेवेंथ रूट फाइंड करना हो, फिफ्थ रूट फाइंड करना हो, कोई भी नंबर का nth रूट फाइंड करना हो बच्चों, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 12 टाइम्स रूट माइनस 1 फिर डिवाइड बाय nth रूट, ठीक है, प्लस 1 फिर इंटू इज इक्वल टू 1 इंटू इज इक्वल टू 2, ऐसे कहां तक, 12 टाइम्स। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, चलो आप लोग खुद करके देखो, मैं आपको बोल रहा हूं आप 2.10 का क्यूब रूट निकाल के देखो, आपका आंसर 1.2805 आना चाहिए। चेक कर तो आते कि नहीं आता, तो उठाओ कैलसी पहले बच्चों, कैलसी पे लिखो 2.10 लिखो, लिखा, हाँ, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 12 टाइम्स रूट, रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करो, फिर माइनस 1 डिवाइड बाय nth रूट। बच्चों 2 मिनट के लिए वेट करना, आप लोग खुद सॉल्व करो, थोड़ा एप्पल पेंसिल थोड़ा चार्जिंग खत्म हो गया है, समय पहले पेंसिल थोड़ा चार्ज कर लेता हूं और उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आप ये 2.10 का क्यूब रूट निकालो। ओके बच्चों, ओके बच्चों, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा पेंसिल चार्जिंग हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी।
थोड़ा सा वेट करना बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं। हम थोड़ा फास्ट ट्रैक जा रहे हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर पाए। इस तरह से क्वेश्चन थोड़े कम सॉल्व करेंगे लेकिन सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जस्ट मिनट बच्चे, थोड़ा सा ही चार्जिंग हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट, वापस स्टार्ट करते अपने। चलो बच्चों बढ़ते आगे। हाँ आगे बढ़ो। चलो बच्चों, तो ये था हमारा nth रूट फाइंड करने का फॉर्मूला, भी हमने डिस्कस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं फॉर द एग्जाम्पल कि आपका प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख है, ठीक है। अमाउंट आपको दिया है बच्चों कितना, 2,75,000, और आपको 7 साल में आपका सॉरी 1 लाख आप जानना चाहते हो बच्चों, 1 लाख से 3 लाख कितने टाइम में होगा, मतलब प्रिंसिपल 1 लाख है, अमाउंट 3 लाख है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 12% पर एनम, और आप एन फाइंड करना चाहते हो कि कितने साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एन फाइंड करना, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r^n, है ना। तो लगा दो, तो अमाउंट कितना है बच्चों, 3 लाख है, प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 1 लाख है अपना, 3 लाख प्रिंसिपल हमारा है 1 लाख, 1 + r, r कितना है बच्चों, 12% है, 12% तो स्मॉल r कितना आएगा, 0.12 + 1, तो 1.12 हो जाएगा, और n कितना बच्चों नहीं पता। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई में है बच्चों, इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 लाख / 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 3, 3 = 1.12 की पावर n। ओके बच्चों यहां तक क्लियर है सबको, यस। अब गौर से देखो, ये हो गया 3, अब क्या करना है देखो, लॉग लेना पड़ेगा, है ना। लॉग ले लो, जब भी आपको एन फाइंड करना होगा बच्चों तो आपको लॉग, लॉग की वैल्यू, लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जब भी आपको आर फाइंड करना हो तो वहां पे एन थ्रूट वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो खास ध्यान रहे, अब क्या करेंगे, लॉग लो दोनों साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग 3 = लॉग लगाएंगे तो ये जो पावर होती है ना पावर, ये पावर इक्वल टू की इस साइड आएगा, तो मतलब पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग लगाएंगे तो जो पावर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा बच्चों, एन लॉग 1.12, ठीक है। हाँ तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, उठाओ कैलसी, लॉग 3 का लॉग निकालो बच्चों, क्या आएगा, कैसे निकालते हैं, पहले 3 लिखो, फिर 13 टाइम्स रूट, रूट का बटन 13 टाइम प्रेस करो, फिर -1, फिर (3)58 इज इक्वल टू कर दो, तो ये अपना आंसर आएगा 0.4771 इज इक्वल टू, एन ऐसे ही लिखा, 1.12 का लॉग निकालो, तो 13 टाइम्स रूट -1 (3)58 इज इक्वल टू, तो कितना आएगा बच्चों, 0. करके देखो, 0.0492 ऐसा आ रहा है, हाँ डिवाइड करके देख लो, 0.4771 डिवाइड बाय 0.0492, आप कैलसी में चेक कर लो बच्चों, आ रहा है इतना सबका, यस। तो डिवाइड कर दो तो ये अपना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, एन इज इक्वल टू 9.7 ईयर्स आ रहा है ऐसा, अप्रोक्सीमेट चेक कर लो, 9.69 समथिंग आ रहा होगा, तो अपना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 9.7 ईयर्स। अब इसको अगर मुझे ये 9 ईयर्स तो पूरे कंप्लीट है, और ये 0.7 ईयर आया ना, इसको मंथ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है बच्चों, (x)12, इसको (x)12 करेंगे तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, यस। तो अपना क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा एन इज इक्वल टू 9 ईयर्स पूरे कंप्लीट, और 0.7 × 12 कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8.4 मंथ्स, 8.4 मंथ्स आया ना, तो हमने बताया कि मंथ में क्या करना है, राउंडिंग ऑफ कर देना, आपको क्या करना बच्चों, राउंडिंग ऑफ, मतलब 0.5 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा देंगे, 0.5 से कम हो तो इग्नोर करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आएगा एन इज इक्वल टू 9 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। आई थिंक बच्चों यहां तक अब कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है किसी को भी।
तो ये अपना हो गया 9 years 8 months। आई थिंक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को भी, क्लियर है बच्चों? लॉग लेना भी आपको आ गया ना, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देनी है। अब मैं आपको इसमें बता दूं, कभी कभी क्या होता है अलग अलग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आपको बोला हो कि आपने 1 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, ठीक है, और फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 15%, एंड फॉर लास्ट 2 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 20%। ठीक है ना बच्चों? यस। तो अलग अलग नंबर ऑफ ईयर के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं, तो उस केस में बच्चों हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में? अब हमको यहाँ पे क्या जानना है कि 10 साल में हमको टोटल पीरियड 10 साल का हुआ और 10 ईयर्स में टोटल अमाउंट कितना मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? ऐसा पूछा है तो क्या करेंगे, लगा दो फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r^n। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का। पर यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ ईयर के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? तो यहाँ पे लगेगा अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r^1 / n^1 इंटू 1 + r^2 / n^2 इंटू 1 + r^3 / n^3। ओके बच्चे, यहां तक क्लियर है? ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, तो गौर से देखो बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना प्रिंसिपल 1 लाख है हमने लिख दिया, फिर 1 + r^1 कितना है गौर से देखो 10%, तो स्मॉल r कितना आएगा 10% मतलब 10/100, तो 0.10 + 1 तो 1.10 हो जाएगा, और n1 कितना है बच्चों 5 है, तो यहां पे कर दो तो 1.10 n1 कितना 5, फिर 1 + r^2 कितना है बच्चों 15% है, तो 0.15 + 1 तो 1.15, और n2 कितना बच्चों 3, 1 + r^3 कितना बच्चों 20%, तो 0.20 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 1.20, और उसके बाद n3 कितना बच्चों 2। आई थिंक बच्चों कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है किसी को भी। चलो अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख हमने एज इट इज लिखा, चलो 1.10 की पावर 5 कर दो बच्चों, 1.10 की पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा 1.61051 आएगा, और 1.15 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 1.520875 आया, और 1.2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1.44 आएगा। ठीक है बच्चों, करके देख लो, पूरा लिखना है कैलसीबर की जितना भी आपका आंसर आए, अब पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना अपना आंसर आएगा चेक कर लो, 3,52,000 कितना आ रहा चेक कर लो, हाँ 711 शायद ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, तो अमाउंट 3,52,711 ये आपका आंसर आ रहा होगा, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, ये अमाउंट आया, माइनस क्या करेंगे बच्चों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है अपना 1 लाख है, प्रिंसिपल हमारा 1 लाख दिया है, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों 2,52,711, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। डन बच्चों, क्लियर है बच्चों? आई थिंक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा यहां तक भी आपको। तो ये था बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट, हमने रिवाइज कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो, या एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो, ऑल द 3 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पूरे साल में एक्चुअल में हमको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, या पूरे साल में एक्चुअल में हमने कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रहे, Always take n is equal to one year। n हमेशा 1 year ही लेना है, कभी भी आपको n नहीं दिया होगा। ठीक है, n हमेशा कितना लेंगे 1 year। अच्छा, कभी कभी आपको n दिया भी होगा गुमराह करने के लिए, बट बच्चा आपको गुमराह नहीं होना है। ऑलवेज टेक n इज इक्वल टू 1 year इन केस ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों सर? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों में से क्या होता है, पर एनम मतलब 1 year का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर इतना? अच्छा, मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो क्वेश्चन किसका होगा सिंपल इंटरेस्ट का होगा, या तो क्वेश्चन किसका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। ठीक है बच्चों, या तो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होगा, या तो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है
तो उसमें ERI इज इक्वल टू कितना होगा R, मतलब जो नॉमिनल रेट है ना वही हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और अगर बच्चों क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता हो, तो कंपाउंड एनुअली के केस में भी हमको कुछ नहीं करना, उसमें भी ERI इज इक्वल टू R ही होता है, मतलब जो नॉमिनल रेट है वही हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, बट अगर हमारा क्वेश्चन किसका है, कंपाउंडेड अदरवाइज का है, कंपाउंडेड अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब एनुअली के अलावा कुछ और हो, मतलब कंपाउंड हाफ ईयरली बोला हो, क्वार्टरली बोला हो, मंथली बोला हो, के ग्रेटर देन वन, साल में एक बार से ज्यादा बार इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उस केस में बच्चों हमको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारा, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला अपने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ERI इज इक्वल टू 1 + R^n - 1 इंटू 100। बच्चे ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आई थिंक बच्चे यहां तक अब कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्लियर है पक्का बच्चों? यस। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के थोड़े एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते अपने, देख लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें तो ICA मॉड्यूल में से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो देख लो एक बार। देखो बच्चे ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 1 + R^n - 1 × 100, ये हमारा फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो लगा दो बच्चों फॉर्मूला। अब बोलो स्मॉल आर कितना आएगा, कैपिटल आर 1.5%, तो स्मॉल आर कितना आएगा बच्चा 1.5/100, तो 0.015 + 1, तो 1.015 है ना, और एन कितना है 2 है, फिर -1 × 100, उठाओ कैलसी। अब कैलसी उठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कितना आंसर आ रहा है, चेक कर लो 3.0225% अपना आंसर आ रहा है क्या, ये हमारा हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई थिंक बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कुछ नहीं होगा, खाली ध्यान रहे ऑलवेज टेक एन इज इक्वल टू 1 ईयर और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होता है और आपको नॉमिनल रेट पूछा है, जैसे मैं आपको बोलू नवकार स्पाइरल में होमवर्क 2 में क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करूं, क्या नवकार स्पाइरल में होमवर्क 2 में क्वेश्चन नंबर 32 उसके अंदर आप गौर से देखो तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मैं अभी क्वेश्चन ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 12% पर एनम और हमको पूछा है फाइंड नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट मतलब आर पूछा है, ठीक है हाँ, और कंपाउंडेड क्या बोला है क्वार्टरली है, कंपाउंड क्या बोला है क्वेश्चन में, कंपाउंड क्वार्टरली है, ठीक है हाँ। तो देखो तो नॉमिनल रेट आर कितना है, आर तो आर ही हमको नहीं पता, और एन कितना लू मैंने बताया ऑलवेज टेक एन इज इक्वल टू 1 ईयर है ना, कंपाउंड क्वार्टरली है हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों आर डिवाइड बाई 4 और एन मल्टीप्लाई बाई 4 है ना हाँ। अब क्या करेंगे बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ERI का, तो ERI का फॉर्मूला क्या होता है, ERI का फॉर्मूला होता है 1 + R^n - 1 × 100, ठीक है बच्चों यस। तो ERI आपको दिया है 12%, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 फिर 1 + अब R क्या है, R डिवाइड बाई 4 है तो R डिवाइड बाई 4 कर दो, और n कितना 1 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 फिर -1 × 100। ओके बच्चों अब क्या करना है खास ध्यान समझो, ये 100 का है मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में, फिर ये -1 है इधर आएगा तो +1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो 12/100 तो 0.12 आ गया, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 + R/4 की पावर 4, ठीक है ना बच्चों यहां तक क्लियर है हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1.12 बच्चों, ये पावर 4 है ना, इधर आएगा तो क्या आएगा फोर्थ रूट में 1.12, फिर ये +1 है ना ये इधर आएगा तो -1, फिर ये 4 डिवाइड में है ना इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 4 हाँ, तो ये क्या मिला स्मॉल आर मिला ना, अब हमको परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर दो तो डायरेक्टली आपको आर मिल जाएगा, तो सॉल्व कर दो बच्चे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.49% इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, नॉमिनल रेट पूछा था, तो हमने फाइंड कर लिया, फॉर्मूला वही रहेगा और इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। आई थिंक बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है बच्चों?
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना? स्क्रैप वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान सुन लो, है ना। स्क्रैप वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, अगर मैं स्क्रैप वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूं बच्चों, स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू में क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या? डब ओके बच्चों, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपने। तो हम यहां पे देखो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेस्ट वैन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, तो इसमें आपको कभी स्क्रैप वैल्यू दिया होगा, तो कभी आपको कॉस्ट दिया होगा, तो कभी आपको मतलब चार में से कोई भी तीन चीज आपको दी होगी और एक चीज आपको पूछी होगी। तो स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेस्ट वैन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसके इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ध्यान से आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों, क्या लिखा था? मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। बोलो बच्चों, मशीन का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20% है, हाँ, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 1 लाख एंड अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वॉज 30,000 एंड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज कितना, ऐसा पूछा है। मतलब कॉस्ट आपको दिया है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू आपको दी है 30,000 और एंड पूछा है, रेट दिया है 20%, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो स्क्रैप वैल्यू आपको दिया है बच्चों 30,000, कॉस्ट आपको दिया है बच्चों 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों 20%, तो 1 माइनस 0.20 और एन हमको पूछा है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन मतलब एन हमको पूछा है, क्लियर। अब देखो गौर से, ये 1 लाख मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 लाख अपन 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 30,000 अपन 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 0.30 इज इक्वल टू 0.80 की पावर एन, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, 0.80 की पावर एन। अब क्या करेंगे, अब लॉग लेना पड़ेगा। मैंने बोला जब भी आपको एन फाइंड करना होगा ना, तो वहां पे आपको लॉग का ही लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जब भी आपको आर फाइंड करना हो तो एन थ्रू वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लॉग ले लो, तो लॉग 0.3 इज इक्वल टू एन, यहां पर आ गया जाएगा एन लॉग 0.80, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो 0.3 का लॉग निकालो, पहले 0.3 लिखो कैलसी पे, फिर 13 टाइम्स रूट करो, -1 × 355 इज इक्वल टू करके देखो, तो आपका आंसर आएगा -0.5228, है ना बच्चों। हाँ, और एन तो हमने ऐसे लिखा, इसका लॉग कितना आएगा? -0.0969, ठीक है। अब ये दोनों साइड माइनस माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0.5228 डिवाइड बाई 0.0969 इज इक्वल टू एन, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, तो इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों अपना, क्या क्या आएगा, एन इज इक्वल टू, आप गौर से देखो डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.5228 डिवाइड बाई 0.0969 करोगे, हाँ, तो आपका आंसर कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.52 आ रहा होगा, यस, इसको डिवाइड करोगे तो 5.52 ईयर्स आएगा, जिसका मतलब n इज इक्वल टू 5 ईयर्स पूरे कंप्लीट एंड 0.52 ईयर है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 0.52, सॉरी कुछ अलग आ रहा है, देख लो आंसर क्या आएगा, हाँ 5.4 ईयर्स आएगा, सॉरी डिवाइड करके चेक कर लो, आपका आंसर 5.4 ईयर्स आ रहा होगा, और आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिया है ना, हाँ ये रहा हमारा आंसर आएगा 5.4 इयर्स। इसको मंथ में कन्वर्ट करना तो कर लो, 5 इयर्स पूरे कंप्लीट है और 0.4 ईयर है, उसको मंथ में कन्वर्ट करना तो इनटू 12 कर दो, तो 4.8, तो अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स 5 मंथ भी हम बोल सकते हैं, पर यहां पर हमको ऑप्शन में 5.4 इयर्स दिया, तो डायरेक्टली 5.4 इयर्स कर दो, ओके बच्चों, यहां तक क्लियर सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। तो ये था स्क्रैप वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, आगे बढ़ जाते अपने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा होता है बच्चों?
नेक्स्ट कौन से पहले हम बात करेंगे सीएजीआर के बारे में, क्या बच्चों सीएजीआर। अब ये सीएजीआर क्या होता है, हमने डिस्कस किया था बच्चों सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, क्या बच्चों सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ना बच्चों। हाँ तो जब भी आपको सीएजीआर क्वेश्चन में पूछा हो तो सीएजीआर कुछ और नहीं होता बल्कि सीएजीआर क्या है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या होता है बच्चों रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट होता है ना बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं सीएजीआर, ठीक है। अच्छा तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में वन प्लस आर रेस टू एन, ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में ये जो आर है स्मॉल आर कहें या कैपिटल आर कहें दोनों का एक ही मतलब, ये आर ही को हम क्या बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में सीएजीआर पूछा हो तो हमेशा हमको क्या फाइंड करना है बच्चों आर फाइंड करना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दिए होंगे मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा टेबल दिया होगा जनरली, जनरली ऐसा टेबल आपको दिया होता है, ठीक है। यहां पे लिखा होगा ईयर और यहां पे लिखा होगा रेवेन्यू, रेवेन्यू दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, पॉपुलेशन दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, मतलब एक एक वेरिएबल हमारा टाइम होगा ईयर और दूसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ अब हमको ऐसा दिया है कि 2012 में हमारी रेवेन्यू थी 100 करोड़, 2013 में हमारी रेवेन्यू हो गई 120 करोड़, ठीक है, 2014 में हमारी रेवेन्यू हो गई 150 करोड़ और 2015 में अपनी रेवेन्यू हो गई 60 करोड़ और 2016 में अपनी रेवेन्यू हो गई 210 करोड़, ठीक है। तो अब हमको इस तरीके से रेवेन्यू दिया हुआ है, अब हमको पूछा है फाइंड सीएजीआर ऑफ रेवेन्यू, कि भाई रेवेन्यू हमारा हर साल किस रेट से बढ़ा, ऑन एन एवरेज हमारा जो रेवेन्यू है वो किस रेट से बढ़ा। तो जब भी हमको सीएजीआर पूछा हो तो हमको क्या करना है, खाली फर्स्ट कॉलम देखना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम देखना है बच्चों, क्या फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को देखना है, डन बच्चों, यस। तो बोलो मुझे बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल कितना और अमाउंट कितना, 2012 में हमारी रेवेन्यू थी 100 करोड़, 2016 में रेवेन्यू कितनी हुई 210 करोड़, तो 100 से 210 हुई ना कितने साल में, तो प्रिंसिपल लिखो 100, अमाउंट लिखो 210 और एन कितना बच्चों, अब एन कैसे निकालना है, बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो ऐसा करेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, सर 5 ईयर्स दिए, नहीं बच्चे ऐसे काउंट नहीं करना, जब भी सीएजीआर पूछा हो तो क्या करना है लास्ट ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, है ना। हाँ तो 2016 माइनस 2012 हाईएस्ट पीरियड माइनस लोवेस्ट पीरियड, ऐसा कर दो 2016 माइनस 2012, या तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा हो उस पीरियड का, अगर आपको ऐसा पूछा हो फाइंड सीएजीआर ऑफ 2015 विथ रिस्पेक्ट टू 2012, तो फिर हम 2015 और 2012 माइनस करेंगे और 2015 का जो आएगा वो उसको अमाउंट लेंगे, 2012 को प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे बच्चों, तो यहाँ पे एन कुछ नहीं बोला हो तो हम लास्ट कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम कर देंगे, तो एन हमारा कितना आया 4 इयर्स, 2012 से 2016 चार साल हुए, चार साल में हमारी रेवेन्यू 100 से बढ़कर कितनी हो गई 210 हो गई, यस। चलो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे, तो क्या फॉर्मूला आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें जो आर आएगा वही हमारा सीएजीआर होगा बच्चों। तो अमाउंट कितना है 210, प्रिंसिपल कितना है बच्चों 100, आर कितना है नहीं पता, 1 प्लस आर हमने ऐसे ही लिखा, एन कितना है बच्चों 4 इयर्स, आई थिंक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है बच्चों। अभी 100 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा तो 2.10 आएगा, फिर बच्चों ये पावर 4 है इधर आएगा तो क्या होगा 4th रूट होगा, है ना, इज इक्वल टू कितना बच्चों 1 प्लस आर, डन बच्चों, यस। अब 2.10 का फोर्थ रूट हो गया, अब उठाओ कैसे फोर्थ रूट कैसे निकालते हैं बच्चों, सिर्फ दो बार रूट करो तो फोर्थ रूट मिल जाएगा आपको, तो दो बार रूट कर दो इसका, तो दो बार रूट करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, जो भी आपका आंसर आए इसमें सॉल्व कर दो, जो भी आपका आंसर आए 2.10 का फोर्थ रूट करो, फिर प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 कर दो और इंटू 100 कर दो, परसेंटेज चेंज तो इंटू 100 कर दो, ये अपना आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू सीएजीआर, ये जो भी अपना आंसर आएगा वो हमारा आर हो जाएगा बच्चों सीएजीआर, ठीक है। इतना क्लियर, अभी मेरे पास कैलसी नहीं है तो आप लोग खुद सॉल्व कर लेना कि 2.10 लिखो कैलसी पे, दो बार रूट करो
फिर माइनस वन और इनटू 100 कर दो तो अपना आंसर आएगा आर। जो आर आएगा बच्चों वही अपना सी ए जी आर होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सी ए जी आर फाइंड करने का। तो जब भी सी ए जी आर पूछा हो तो हम इस तरह से करेंगे। अब इसके ऊपर से मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने दे रहा हूं। जुलाई 21 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था सी ए जी आर वाला, है ना। और काफी सारे बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट का रिविजन नहीं किया, फिर उनको लगा कि यार ये तो पेपर डिफिकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के जाओगे और उसमें से क्वेश्चन आया तो आपको डिफिकल्टी लगने वाला है। तो ये जुलाई 21 का पेपर आपके सामने है और इसमें आपको दो कॉलम दिए, ध्यान से पढ़ो बच्चों। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है, देखो 27 नंबर क्वेश्चन, लेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, पहले मैं इसको हटा दूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे क्या करना है इसमें। चलो बच्चे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया यहाँ पे, एक ईयर दिया है, ईयर दिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है लैक्स में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, छह साल की हमको इन्फॉर्मेशन दी है और सिक्स्थ ईयर का प्रॉफिट दिया 90, 100, 10, ये सारी प्रॉफिट दी है हमको। ठीक है इतना, ओके चलो। अब हमको पूछा क्या है, देखो ध्यान से पढ़ लो पहले पूछा क्या हमको। तो यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। बच्चों कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है बच्चों, सी ए जी आर। तो सी ए जी आर फॉर ईयर सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ईयर टू, क्या बच्चों, ईयर फॉर ईयर सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ईयर टू, है ना, ईयर सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ईयर टू सी ए जी आर फाइंड करना है। कौन से पीरियड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, फॉर ईयर सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ईयर टू सी ए जी आर फाइंड करना है। इसका मतलब बताओ क्या करेंगे, सी ए जी आर तो फाइंड करना है, बट कौन से ईयर का, फॉर ईयर सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ईयर टू। ओ ईयर टू बोला है ना, तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम नहीं लेंगे बल्कि ईयर सिक्स वाला कॉलम और ईयर टू वाला कॉलम लेना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल कितना लेंगे 100, अमाउंट कितना है 157.35, और अब मुझे बताओ एन कितना लो बच्चों, ईयर सिक्स और ईयर टू का बोला है तो 6 - 2 एन इज इक्वल टू 4 लो और R फाइंड करो। अब R जो सी ए जी आर है ना वही R होता है, तो फाइंड कर लो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R^2 n, सॉल्व कर दो, है ना। अमाउंट कितना 157.35 लिखो, प्रिंसिपल कितना 100 लिखो, R कितना नहीं पता ऐसे रन दो, n कितना बच्चों 4, उठाओ टेल सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करके देखो आपका आंसर आना चाहिए R इज इक्वल टू 12%, चेक कर लो बच्चा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 157.35 डिवाइड बाय 100 करो 1.5735, फिर पावर 4 इधर आएगा तो फोर्थ रूट, दो बार रूट कर दो, फिर प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 और इनटू 100 करो परसेंटेज चाहिए तो ये अपना आंसर आ गया R इज इक्वल टू 12%। अरे बोलो बच्चों अभी कोई कंफ्यूजन को डाउट है क्या इसमें किसी को भी सी ए जी आर वाले कॉन्सेप्ट में? आई थिंक कोई कंफ्यूजन को डाउट किसी को भी नहीं होगा अब शायद, क्लियर है। अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना कौन सा है, रियल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है बच्चों, रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं अपने रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों रियल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल में हमको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला, है ना बच्चों। हाँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हम बोल सकते हैं फॉर्मूला होता है रियल रेट का, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट। क्या बच्चों, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट, है ना बच्चों। हाँ तब ये ध्यान से मतलब बच्चों अब क्या है, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट। अब मान लेते हैं कि हमने बैंक में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आपने बैंक में एफडी करी है और एफडी में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है 5%, तो आपको क्या लगेगा, ओहो मेरा पैसा तो हर साल 5% से बढ़ रहा है ना, नॉमिनल रेट हमको 5%, क्यों, क्योंकि बैंक में जो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दिख रहा है 5%। बट बच्चों ये इन्फ्लेशन रेट है ना, ये इनविजिबल राक्षस है, इनविजिबल ड्रैगन है, आपको दिखता नहीं है, है ना, कोई भी किसी को पता नहीं होता, कोई चेक ही नहीं करता। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि करेंटली इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितना है, तो आपको मालूम पड़ेगा करेंटली इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट है 4.48%, समझ रहे हो। हाँ
तो मतलब अगर आप बैंक वाले आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन उसमें से 4.48% आपका इन्फ्लेशन खा जा रहा है, तो आपको मतलब गेन कितना हुआ? आपको 5% नहीं मिला, आपको तो खाली 0.52% ही आपको गेन हुआ, समझ रहे हो? आपका एक्चुअल में रियल रेट ऑफ रिटर्न तो कितना है? 0.52% ही है बच्चों, समझ आया? तो रियल मतलब एक्चुअल में आपके पैसे की वैल्यू कितनी हर साल बढ़ेगी? तो ओनली 0.52% के हिसाब से। वो तो अगर आपने एफडी करी है तो, और अगर आपने अगर एफडी नहीं करी है और आपने खाली सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, सेविंग अकाउंट में अगर आपको खाली 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, तो सेविंग अकाउंट में 3% इंटरेस्ट मिलता है, इन्फ्लेशन रेट 4.4% है, तो इसका मतलब तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा तो हर साल कम हो रहा है। कितना? -1.48% से हर साल आपका पैसा बच्चों कम होते जा रहा है। और कुछ लोग तो पता है क्या करेंगे, वो तिजोरी में पैसा रखते हैं, बैंक में रखते ही नहीं है, तिजोरी में रखेंगे। तिजोरी में रखेंगे तो आपको रियल रेट ऑफ नॉमिनल रेट कितना मिला? 0%। और इन्फ्लेशन तो अपना काम कर ही रहा है, तो वहां पे रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा बच्चों? -4.48%। पूरा पैसा आपका हर साल कम होते जा रहा है, समझ गया बच्चों? क्लियर है? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे मिलता है? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट। अगर आप बोलो नहीं हम तो स्मार्ट इन्वेस्टर है और हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो हम बोल सकते हैं यस। तो उस केस में आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? म्यूचुअल फंड पर से आपको 15% मिलता है, 4.48% आपका इन्फ्लेशन रेट है, तो भी आपको 10.52% का पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। यस बच्चों बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो इसके ऊपर से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं कि रियल रेट का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एन माइनस आई, आर का मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न, एन का मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट, है ना बच्चों? हाँ, तो इसके ऊपर से आप मुझे बता सकते हो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या आएगा? एन का फॉर्मूला बच्चों, ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आई। ओके बच्चों क्लियर है सबको? यस। और अगर इस पे से अगर हमको इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना तो क्या करेंगे? एन माइनस आर, नॉमिनल माइनस रियल। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट को खास ध्यान रखना है, रियल रेट का फॉर्मूला होता है नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, एंड इन्फ्लेशन रेट पूछा हो तो नॉमिनल माइनस रियल, नॉमिनल पूछा होता है रियल प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है बच्चों क्लियर? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके क्वेश्चन अगर देख ले तो सबसे पहले आप देखो नौकर स्पाइरल में होमवर्क टू में क्वेश्चन नंबर 26, नवकर स्पाइरल में होमवर्क टू में क्वेश्चन 26 देखो तो उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलो बच्चे नवकर स्पाइरल में होमवर्क टू में क्वेश्चन नंबर 26 आप खास ध्यान से पढ़ लो, ये देखो आपको दिख रहा है। तो बोलो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला पूछा है, तो यहाँ पे क्या पूछा? खाली फॉर्मूला ही पूछ ले कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या, और ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन है ना? हाँ, एमटीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, दो दो बार पूछा हुआ है। तो देखो क्या आएगा, नॉमिनल रेट का फॉर्मूला आएगा रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन रेट, है ना, आर प्लस आई, एन इज इक्वल टू आर प्लस आई, है ना बच्चों? तो सर खाली थ्योरी पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन भी पूछेंगे। जुलाई 2021 में रियल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 जुलाई 2021 पेपर के अंदर, मैं आपको दिखाऊं ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों इसमें। इफ द मार्जिन, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% एंड द इन्फ्लेशन रेट इज 9% फॉर द 5 years, बोलो बच्चों नॉमिनल रेट कितना है 17% और इन्फ्लेशन रेट कितना है 9%, है ना? हाँ, ये 5 years नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5 years नहीं है यहाँ पे कुछ। हाँ ठीक है, हाँ चलो, नॉमिनल रेट कितना बच्चों 17% है, इन्फ्लेशन रेट कितना 9% है, और क्या लिखा, लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, मतलब प्रेजेंट ईयर में जीडीपी कितना है, पी प्रिंसिपल पी है अपना, और क्या पूछा, देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years, तो 6 साल के बाद का जीडीपी कितना होगा, बोलो बच्चों प्रेजेंट जीडीपी कितना है, पी है, तो 6 साल के बाद का जीडीपी कितना होगा, ऐसा पूछा है। तो क्या करेंगे बोलो, सबसे पहला काम मैं बताऊं आपको, मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू मतलब पी प्रिंसिपल कितना है, पी है ना, और क्या पूछा है, 6 साल के बाद का जीडीपी पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है ना, हाँ, और आर क्या है, रियल जीडीपी पूछा है ना, रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी पूछा है तो रियल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना पड़ेगा, बोल रियल रेट हमारा जीडीपी एक्चुअल में बढ़ किस रेट से रहा है,
17% नॉमिनल रेट है, 9% इन्फ्लेशन रेट है, तो रियल रेट में कितना होगा, 17 - 9, 8% होगा ना बच्चों। यस, आर इज कुछ नहीं करना, खाली फॉर्म अपने को रियल रेट पहले फाइंड कर लो। तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल रेट 17%, इन्फ्लेशन रेट 9%, तो रियल रेट कितना 8% हुआ। अब 8% के हिसाब से आपको 6 साल का अमाउंट फाइंड करना है, करके देख लो। तो सिंपल है, अपना अमाउंट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, करके देखना है, देख लो बच्चों। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, सॉल्व करके दिखाऊं, तो देख लो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी ब्रैकेट में 1 + r^n। अमाउंट फाइंड करना है, प्रेजेंट जीडीपी पी है, आर कितना 8%, तो 1.08 की पावर एन कितना 6, उठाओ कैलसी कर लो, 1.08 की पावर 6 करो तो 1.587 आ रहा है, और मल्टीप्लाई में क्या है पी है, तो पी, इसलिए इसमें अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हमने जो बोला वो। आई थिंक बच्चों ये रियल रेट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, रियल रेट का फॉर्मूला होता है नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। डन बच्चों, आई थिंक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। अभी अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे बढ़ने वाले हैं। दो मिनट वेट करना बच्चों, थोड़ी पानी पी लूं मैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुन लो मेरी बात। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखो बच्चों, पहले बात करें एन्यूटी के बारे में, किसके बारे में, अब नया कॉन्सेप्ट बात करते हैं एन्यूटी के बारे में। एन्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, हर एक इंस्टॉलमेंट की हमने बताया था, इक्वल एन्यूटी का मतलब होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर भी इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूटी बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों टाइम वैल्यू अपने का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए बराबर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ, अपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्यूटी, क्या ये क्वेश्चन एन्यूटी का है ना। अच्छा वो क्या सवाल पड़ेगा, तो बच्चों हमको दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन बच्चों, हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल होना चाहिए। हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल हो और हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल हो तो क्वेश्चन एन्यूटी का है, और दो में से अगर एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो तो क्वेश्चन एन्यूटी का नहीं है। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्यूटी, ठीक है। तो अगर तो दो कंडीशन चेक करनी, अगर आपका आंसर है यस क्वेश्चन एन्यूटी का है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भूल जा रहा है, तो एन्यूटी में जो सीखने वाले वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। बट अगर आपका आंसर है नो, क्वेश्चन एन्यूटी का नहीं है, नहीं है तो या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर लिखा हो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट, लिखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी ना बोला हो तो ऑलवेज यूज कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी ना बोला हो तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज करना है, ठीक है बच्चों, ध्यान रहे अपने को। अभी एन्यूटी में भी बच्चों ना दो कंडीशन चेक करनी, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए और टाइम के भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी एन्यूटी में भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब सर अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी का है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का है ना, तो मैं आपको बता दूं, चलो मैं आपको यहां पे समझा दूं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें। देखो ध्यान से, ये देखो एन्यूटी के बारे में मैंने बताया था, ये नवकर्ष फाइल के अंदर मैंने ओपन कर लिया है एन्यूटी के अंदर। तो मैंने बोला हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए और हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्वेश्चन एन्यूटी का है, और दो में से अगर एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो तो क्वेश्चन एन्यूटी का नहीं है, ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया एन्यूटी में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब सर ये कैसे मालूम पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कब होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कब होगा, तो बच्चों हमको ये देखना है कि हम जो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके कंसीडरेशन में, उसके बदले में हमको जो बेनिफिट मिलेगा वो कब मिलेगा। अगर बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी का। अगर बेनिफिट हमको प्रेजेंट में मिलता है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का। तो ये बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, देन फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी विल बी एप्लीकेबल, एंड इफ बेनिफिट इज रिसीव्ड एट प्रेजेंट, अगर बेनिफिट प्रेजेंट में मिलता है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का। समझ रहे हो, हमने बताया ऑल इन्वेस्टमेंट किस सर कवर्ड ईयर, हम कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करें
तो हमको पैसे कब मिलेंगे बच्चों? फ्यूचर में। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। बट ऑल लॉन केसेस, हायर परचेस ट्रांजेक्शन और लीज ट्रांजेक्शन और कवर्ड ईयर, अगर हम कोई भी लोन लेते हैं या कोई हायर परचेस ट्रांजेक्शन हो, कोई लीज ट्रांजेक्शन हो, तो हमको बेनिफिट बच्चों कब मिलेगा? एट प्रेजेंट। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। ठीक है, अगर क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, एन्युटी का फॉर्मूला आएगा एन्युटी इंटू, हाँ, एन्युटी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको बताइए, एन्युटी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हो तो एन्युटी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, ऐसा भी कर सकते हैं। और दूसरा हमारा फॉर्मूला एन्युटी इंटू पीवीआईएफ एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर एनम फॉर एन ईयर्स, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हैं, वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन प्लस आई रेस टू एन, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको यहां तक? हाँ। अब आप लोग, सर ये पीवीआईएफ क्या होता है? पीवीआईएफ का मतलब पता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। अब आप लोग, सर ये पीवीआईएफ कैसे फाइंड करते हैं? फॉर द एग्जांपल मैं आपको बोलू कि आपको पीवीआई फाइंड करना है, कितने का? 10% से 5 ईयर का पीवीआईएफ निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों? 1/1+r, मतलब 1/1.10 करो, फिर इज इक्वल टू कितना? 5 ईयर्स का, तो 5, तो कैल्शियम में कितना आना चाहिए? 7, है ना। फिर जीटी करके देखो बच्चों, 3.7908 आ रहा है क्या? हाँ। और अगर आपके कैल्सियम में जीटी नहीं है तो बच्चों 1/1.10 फिर इज इक्वल टू एम प्लस आप 5 टाइम्स करो और फिर लास्ट में एमआरसी का बटन दबा के देखो, तो भी आपका आंसर बच्चों सेम आना चाहिए। आई थिंक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। अब आप ये खुद सॉल्व करके देखो, पीवीआईएफ खुद सॉल्व करके देखो, 12% से 30 ईयर का पीवीआईएफ निकाल के देखो, कैसे निकालेंगे? 1/1.12 फिर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 30, मतलब कैल्सियम के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए? 32। और फिर क्या करेंगे बच्चों? जीटी, तो आपका आंसर आएगा 8.0552, अपना आंसर आना चाहिए। चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक बच्चों क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं इसमें किसी को भी एन्युटी के बारे में। तो ध्यान रहे बच्चों, दो चीज एक चेक करना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन किसका है? एन्युटी का है। इन्वेस्टमेंट किया हो तो फ्यूचर वैल्यू, लोन लिया हो, हायर परचेस ट्रांजेक्शन हो, लीज का ट्रांजेक्शन हो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आई थिंक बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है अभी। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किसके? ये एन्युटी वाले क्वेश्चन के हम सोल्व करेंगे थोड़े। तो देखो, अच्छा इसके साथ हम टाइप्स ऑफ एन्युटी भी पढ़ लेते हैं। अभी हमें बच्चे देखो, एन्युटी जो पढ़ा ना उसमें तीन टाइप की एन्युटी होगी, एक एन्युटी रेगुलर का है या ऑर्डिनरी एन्युटी का है, दोनों का मतलब सेम होता है, और एन्युटी इमीडिएट का है या एन्युटी ड्यू का है, दोनों का मतलब बच्चों सेम होता है। क्या? एन्युटी रेगुलर का है या ऑर्डिनरी एन्युटी का है, दोनों का मतलब सेम होता है। एन्युटी इमीडिएट का है या एन्युटी ड्यू का है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जो भी हम इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो कब पे कर रहे हैं? If equal installments are paid at the end of each period, अगर हम हर एक installment का pay करते हो at the end of each period pay करते हो तो वह annuity regular होता है। और if installments are paid at the beginning of each period, हर एक period की beginning में pay करते हो या फिर starting from today word use किया हो question में, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? Annuity immediate होगा। Clear है? हाँ बच्चों, तो ध्यान रहे मैं क्या बता, installment हम कब pay कर रहे हैं? अगर हम ऐसा लिखा, इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो एट द एंड ऑफ इच पीरियड पे करते हो तो एन्युटी रेगुलर, और एट द बिगिनिंग ऑफ इच पीरियड पे करते हो या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा हो तो समझ जाएंगे बच्चों अपने एन्युटी इमीडिएट होगा। तो एन्युटी रेगुलर है तो वही जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, वही अभी तक जो हमने डिस्कस किया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू वन प्लस आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर, एंड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एन्युटी इंटू पीवीआईएफ है। और अगर एन्युटी इमीडिएट है ना तो क्या करना है? फॉर्मूले वह फॉर्मूला वही रहेगा, खाली फॉर्मूले में इंटू वन प्लस आर कर देना है। तो आपको अगर क्वेश्चन में आपको ध्यान रहे स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे लिखा हो या एट द बिगिनिंग ऑफ इच पीरियड लिखा हो तो जो फॉर्मूला उसमें आपको इंटू वन प्लस आर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। चल अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते तो आपको माइंड में थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। चलो बच्चों,
चलो बच्चे ये आईसीआई का एग्जाम्पल 28 आईसीआई मॉड्यूल के अंदर आपको एग्जाम्पल 28 आपको दिया है, तो ये पहले आप देख लो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, जेड इन्वेस्ट रुपीज 10,000 एवरी ईयर। बोलो जेड 10,000 रुपीज एवरी ईयर इन्वेस्ट करता है ना, हाँ इन्वेस्ट करता है, ध्यान रहे 10,000 एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब एवरी ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 10,000, फोर्थ ईयर 10,000, एवरी ईयर 10,000 इन्वेस्ट करता है। तो मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी? यस, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, हर एक इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप इक्वल है, तो क्वेश्चन किसका हुआ, एन्युटी का हुआ। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे लिखा है ना, हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे लिखा है, तो बच्चों कौन सी एन्युटी, एन्युटी रेगुलर हुआ कि एन्युटी इमीजिएट हुआ? अरे सर ये तो एन्युटी इमीजिएट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे लिखा है तो, हाँ अच्छा। और प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो हमको पैसे कब मिलेंगे, फ्यूचर में, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, साफ साफ बोला है ना बच्चों, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हाँ अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, है ना। सोल्व करो इस क्वेश्चन को, अब सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं अपने, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। बोलो फर्स्ट ईयर क्या बोला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है ना, लगा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू, फॉर्मूला क्या होता है, 1+r^n-1/r, है ना बच्चों। अब मुझे बताओ यहाँ पे बोलो इनटू 1+r करूँ या नहीं करूँ बच्चों, करना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे लिखा है तो इनटू 1+r करना पड़ेगा, ठीक है ओके बच्चों। यहां पर क्या आएगा, एन्युटी ये हो गया अपना। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे एन्युटी के बारे में, तो देखो एन्युटी कितना अपना 10,000 दिया है। बोलो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको, 8% दिया है ना, कितना दिया देख लो आप ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो क्या आएगा 1.08 आएगा, स्मॉल आर, हाँ स्मॉल आर आएगा 0.08 प्लस 1 तो 1.08, और एन कितना बच्चों, एन आपको दिया 10 ईयर्स, दिया ना क्वेश्चन में 10 ईयर्स, सर कहां दिया है देख लो ध्यान से, 10,000 लिखा है ना फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, कब तक, 10 साल तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है हाँ। तो 1.08 की पावर 10 फिर -1 डिवाइड बाय आर कितना बच्चों 0.08, और इंटू 1+r मतलब इंटू 1.08, डन बच्चों क्लियर है हाँ। अब उठाओ कैलसी, कैलसी उठाओ मालूम पड़ेगा आपको, 1.08 की पावर 10, 1.08 की पावर 10 मतलब कैलसी पे कितना बच्चों, 1.08 की पावर 10 मतलब एलसीपी कितना 11, फिर -1 फिर डिवाइड बाय 0.08 और इंटू 1.08 और इंटू 10,000 कर लो बच्चों, तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, तब चेक कर लो आपका आंसर आएगा 1,56,454.875, चेक कर लो बच्चों आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा इतना। ये था बच्चों क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का हमने फॉर्म लगा दिया और हमारा आंसर आ गया 1,56,454.875, डन बच्चों क्लियर है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोला तो इनटू 1+r किया, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे नहीं बोला होता तो इनटू 1+r नहीं करेंगे, ठीक है ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते बच्चे, देखो क्वेश्चन पे चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहां पे पढ़ो बच्ची क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, एक कंपनी बोरोज रुपीज 10,000, एक कंपनी बोरोज रुपीज 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईच। बोलो बच्चे एक कंपनी ने 10,000 रुपीज बोरो किए, बोरो किया मतलब लोन लिया है ना, ऑन कंडीशन टू रिपेड विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईच। लोन का रिपेमेंट कैसे करेगी कंपनी, बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईच, मतलब एवरी ईयर कितना पे करेंगे, 1,000 एवरी ईयर पे करेंगे। तो पूछा गया है द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेट विल बी क्लियर,
कितने साल में हमारी जो लोन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, 10,000 की लोन ली है, एवरी ईयर 1,000 पे करेंगे, 10 साल में खत्म हो जाएगा। अरे नहीं भाई, खाली प्रिंसिपल थोड़ी ना देना है, इंटरेस्ट भी तो देना है। हाँ तो इंटरेस्ट के साथ हमको पेमेंट करना है तो कितने साल तक पे करना पड़ेगा, ऐसा हमको पूछा है। तो सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो तो मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट ईयर में हमने कितना पे करेंगे बोलो बच्चों, लोन कितने के लिए, पहले कंपनी है उसने, कंपनी ने लोन ली है कितने की, 10,000 रुपीज की लोन ली है, ठीक है। और बोलो बच्चों फर्स्ट ईयर में कितना पे किया कंपनी ने, 1,000। सेकेंड ईयर में कितना पे किया, 1,000। थर्ड ईयर में कितना पे किया, एवरी ईयर कंपनी पे करी 1,000। तो क्या पूछा है, कितने साल तक 1,000 पे करें ताकि जो लोन है वो कंप्लीट हो जाए, है ना बच्चों। हाँ तो मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है। आपका आंसर रहेगा यस, क्यों, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम के इक्वल है, तो क्वेश्चन एन्युटी का है। बोला बच्चों प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर वैल्यू, अरे लोन लिया है ना, हाँ लोन लिया है तो इंस्टॉलमेंट हम कितने भी साल तक भरेंगे, 10,000 कब मिलेगा एट प्रेजेंट, बेनिफिट कब मिलेगा एट प्रेजेंट, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो बच्चों लगा दो फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन्युटी इंटू PVIFA, है ना बच्चों, एन्युटी इंटू PVIFA एट द रेट ऑफ, रेट हमको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो यहाँ पे हमको दिया है क्वेश्चन में 5% है फॉर एन ईयर, एन हमको फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है पक्का 100%। अब बोलो बच्चों प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोन अमाउंट होता है ना, लोन, हाँ तो लोन कितने के लिए, 10,000 की, ओके बच्चों। एन्युटी कितना है, 1,000 है, PVIFA, अब PVIFA तो नहीं निकाल सकते क्योंकि एन नहीं है अपने पास में, तो 85% फॉर एन ईयर हमने ऐसे लिखा, ओके बच्चों क्लियर है इतना पक्का 100%, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो देख लो ध्यान से। अब बच्चों ये 1,000 का है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो बोलो बच्चों 10,000 अपॉन 1,000 करेंगे तो कितना आएगा, 10 इज इक्वल टू PVIFA एट द रेट ऑफ 5% फॉर एन ईयर्स, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझो कि 5% से कितने साल का PVIFA निकालें, 5% से कितने साल का PVIFA निकालें कि हमारा आंसर 10 आ जाए। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, क्या करेंगे अपने ट्रायल मेथड करेंगे, और ट्रायल मेथड में भी सबको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हाईएस्ट ऑप्शन पहले ट्राई करना है, यहां पर लिखो एन और यहां पर लिखो PVIFA एट द रेट ऑफ 5% फॉर एन ईयर्स। चलो अब बताओ बच्चों हाईएस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए, आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, है ना 14.2 इयर्स दिया है ना क्वेश्चन के अंदर, देख लो, हाँ 14.2 इयर्स दिया है, तो पॉइंट तो हम लगा नहीं सकते, पहले 14 ईयर का निकाल के देखो। तो बच्चों PVIFA निकालेंगे तो क्या आएगा, 14 ईयर का निकाल के देखो PVIFA, तो 1 डिवाइड बाय 1.05, बाद में इज इक्वल टू कितना 14, मतलब एलसीएम में कितना 16, फिर जीटी करके देखो बच्चों क्या आपका आंसर 9.8986 आ रहा है क्या, यस, है ना बच्चों, यस। अब हम ये तो हमको हमारी मंजिल क्या है, हमको आंसर कितना चाहिए, हमारे को आंसर लाना है 10, PVIFA 10 आना चाहिए, और अभी कितना आया 9.8986 आया, तो बोलो बच्चों आगे बढ़ू या पीछे जाऊं, तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, आगे बढ़ो तो 14 के बाद क्या आता है 15 ट्राई करो, 15 साल का ट्राई करो, तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय 1.05, बाद में इज इक्वल टू कितना 15, मतलब कैल्सियम में कितना 17, फिर जीटी कर दो बच्चों, ओके हाँ जीटी, तो ये आप देखो तो इसका कितना हो गया 15, मतलब कैल्सियम में 17 फिर जीटी, तो इसका आप गौर से देखो इसका आ गया 10.3796, अरे सर ये तो ज्यादा हो गया ना, हाँ इसका मतलब हमारा आंसर 14 से ज्यादा, 15 से कम, और ज्यादा क्लोज किसके है बच्चों, 14-15 के बीच में, और 14 के ज्यादा क्लोज है ना 10, हाँ ये 9.86 के ज्यादा पास में है, तो अपना आंसर आएगा 14 के पास वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा 14.2 इयर्स, तो इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा बच्चों एन इज इक्वल टू 14.2 इयर्स। आई थिंक बच्चों ये आपको एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन शायद मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, अगर एन्युटी इमीडिएट हो स्टार्टिंग प्रॉपर्टी लिखा हो तो फॉर्मूले में इनटू 1+ ऐड कर दो, और नहीं लिखा है तो कुछ ना लिखा हो तो एन्युटी रेगुलर ही समझना है, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ आगे।
अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, परपेचुटी के बारे में। अब परपेचुटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एन्यूटी फॉर फॉरएवर, एन्यूटी फॉर फॉरएवर मतलब जो भी एन्यूटी कितने टाइम के लिए हो, फॉरएवर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर के लिए जो एन्यूटी होती है उसे हम क्या बोलेंगे, परपेचुटी। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन परपेचुटी का है कि नहीं है, तो देखो जब भी क्वेश्चन परपेचुटी भी एन्यूटी ही होती है बट उसका पीरियड कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स। तो कोई भी अगर क्वेश्चन एन्यूटी का है और उसमें एन ना दिया, क्वेश्चन एन्यूटी का हो और एन ना दिया, ना दिया मतलब पूछा हो नहीं, क्वेश्चन एन्यूटी का हो और एन दिया भी ना हो और एन पूछा भी ना हो, तो बच्चों क्वेश्चन किसका होता है, परपेचुटी का। समझ रहे हो? हाँ, परपेचुटी का क्वेश्चन मालूम पड़ गया। कब होगा परपेचुटी क्वेश्चन, जब क्वेश्चन एन्यूटी का हो और एन दिया भी ना हो और एन पूछा भी ना हो, तो क्वेश्चन किसका होता है, परपेचुटी का। अब परपेचुटी में बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, परपेचुटी में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सिंपल परपेचुटी और दूसरा होता है ग्रोइंग परपेचुटी। क्या बच्चों, एक होता है सिंपल परपेचुटी और दूसरा होता है ग्रोइंग परपेचुटी। एक होता है सिंपल परपेचुटी और दूसरा होता है बच्चों ग्रोइंग परपेचुटी, ठीक है ना। अब गौर से देखो बच्चे, सिंपल परपेचुटी में क्या होता है, ग्रोइंग परपेचुटी में क्या होता है। सिंपल परपेचुटी में परपेचुटी की जो अमाउंट होती है ना वो कांस्टेंट रहती है, मतलब इक्वल रहती है ना। हाँ, मतलब जैसे बैंक ने बोला कि भी हमारी बैंक आपको हर साल एक एक लाख रुपए देगी, मतलब अगर आपके पास कुछ आपके आपको कुछ पैसे बैंक में इन्वेस्ट करना, बैंक के पास गए, बैंक ने बोला हमारी बैंक आपको हर साल एक एक लाख रुपए देगी, मतलब फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख, एवरी ईयर 1 लाख, है ना, कब तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक हमारी बैंक आपको हर साल एक एक लाख रुपए देगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक। तो ये क्या है, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, यस, है ना। हाँ, और कितना, इनफाइनाइट नंबर तक देगी ना, तो ये क्या है, परपेचुटी हो गया। तो सिंपल परपेचुटी में परपेचुटी की अमाउंट क्या होती है बच्चों, कॉन्स्टेंट रहती है, और ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग परपेचुटी मतलब परपेचुटी प्लस ग्रोथ रेट, मतलब परपेचुटी ना वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाती है किस ग्रोथ रेट से। अब आपने बोला कि नहीं, हम आप बोल रहे कि जो परपेचुटी का अमाउंट कांस्टेंट है ना वो हमको कांस्टेंट नहीं चाहिए, आपने बोला कि मुझे तो है ना 5% का ग्रोथ रेट चाहिए, आपने बोला 5% का हमको क्या चाहिए, ग्रोथ रेट, 5% का ग्रोथ रेट चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस केस में आपको ना आपने बोला कि भाई मुझे फर्स्ट ईयर में कितना मिलना चाहिए, 1 लाख, लेकिन सेकेंड ईयर 1 लाख नहीं, सेकेंड ईयर कितना, 1,05,000, 1,05,000 कैसे आया, 1 लाख प्लस 5%। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, 1 लाख प्लस 5% का ग्रोथ रेट चाहिए, तो 5% दे लो, ठीक है। हाँ, और थर्ड आपने बोला 1,10,250, है ना, यस बच्चों, तो 1 लाख प्लस 1,05,000 प्लस 1,10,250, है ना, करते जाओ ऐसे ऐसे, कहां तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक। तो यहाँ पे परपेचुटी की अमाउंट क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है ना, ग्रो हो रही है 5% के हिसाब से, तो इसे बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी। सिंपल परपेचुटी में परपेचुटी की अमाउंट कांस्टेंट रहती है, ग्रोइंग परपेचुटी में परपेचुटी की अमाउंट हर साल बढ़ती जाती है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सिंपल परपेचुटी का कि ग्रोइंग परपेचुटी का है, तो ग्रोथ रेट दिया हो तो ग्रोइंग परपेचुटी, ग्रोथ रेट ना दिया हो तो सिंपल परपेचुटी, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रहे। अब मैं बात कर रहा हूं, सिंपल परपेचुटी हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो बच्चों एक बात ध्यान रहे, फ्यूचर परपेचुटी के क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू हमेशा इन्फाइनिटी होती है, मतलब कभी भी हमको फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं करना होगा, फ्यूचर वैल्यू तो हमेशा इन्फाइनिटी होगी, क्या फाइंड करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू। उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल परपेचुटी में प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी का फॉर्मूला है परपेचुटी अपॉन आर, और ग्रोइंग परपेचुटी हो तो उसमें फॉर्मूला क्या है, इसमें भी फ्यूचर वैल्यू तो क्या होगी, इन्फाइनाइट, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बच्चों, परपेचुटी अपॉन आर माइनस जी, क्या फॉर्मूला है, परपेचुटी अपॉन आर माइनस जी, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, परपेचुटी अपॉन आर माइनस जी। से इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, अब आपने बैंक ने बोला कि हमारी बैंक आपको हर साल 1,00,000 रुपए देगी, कब तक, इन्फाइनाइट नंबर तक, तो बताओ हमको आज की तारीख में बैंक में कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू आएगी परपेचुटी पर ना, परपेचुटी कितना है, 1 लाख है,
तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा 1 लाख अपॉन आर कितना 10%, तो 10 लाख। तो अगर हमको बैंक में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 लाख। अगर हम बैंक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद बैंक हमको हर साल कितना देगी, 1-1 लाख रुपए देगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक, सिंपल परपेचुटी में। और ग्रोइंग परपेचुटी की बात करें तो उस केस में हमको कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, परपेचुटी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट परपेचुटी कितना 1 लाख है, आर कितना 10% है, आपने बोला ग्रोथ रेट चाहिए 5%, तो आपको आर माइनस जी के हिसाब से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब आपने बोला भाई सिंपल परपेचुटी है तो 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ग्रोइंग परपेचुटी तो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डन बच्चों, तो ये था परपेचुटी का कॉन्सेप्ट, देख लो ध्यान से, और कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो, डाउट लग रहा हो तो बच्चों आप पूछ सकते हो। इतना आई थिंक कोई कंफ्यूजन को डाउट नहीं है अभी किसी को भी इसमें, है ना बच्चों, क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से, तो देख लो पहले नौकर स्पाइरल में क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चे, नौकर स्पाइरल में क्लास वर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 37 देखो आपके सामने है, क्या लिखा है, पर्सन डिजायर्स टू क्रिएट ए फंड टू बी इन्वेस्टेड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर। बोलो 300 रुपीज एवरी ईयर लिखा है ना, हाँ। अब मुझे बता एक पर्सन क्या चाहता है, एक पर्सन चाहता है कि वो हर साल 300 रुपए का प्राइस बच्चों को दे, है ना, एवरी ईयर 300 का प्राइस देना चाहता है ना, हाँ। मतलब फर्स्ट ईयर 300, सेकंड ईयर 300, थर्ड ईयर 300, एवरी ईयर 300 का प्राइस देना चाहते हैं। क्या एन दिया है क्वेश्चन में, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, यस, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है टाइम के इक्वल, तो क्वेश्चन एन्युटी का हुआ। बट क्या एन दिया है, नहीं। क्या एन पूछा है, नहीं। तो क्वेश्चन किसका हुआ, परपेचुटी का। और परपेचुटी में क्या ग्रोथ रेट दिया है, नहीं ग्रोथ रेट नहीं दिया है, तो क्या हुआ सिंपल परपेचुटी। तो फॉर्मूला क्या है, परपेचुटी अपॉन आर, है ना बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है परपेचुटी अपॉन आर। परपेचुटी कितना है 300, रेट कितना है 10%, तो 300 अपॉन 0.10 कर दो तो अपना आंसर 3000। कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 63 नंबर, वो ग्रोइंग परपेचुटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। हाँ, एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7%, डिस्काउंट रेट मतलब आर, आर कितना है 7% है, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव रुपीज 50 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर, लिखा है ना। अगर आपको 50 रुपए चाहिए जो 5% से ग्रो होते हो, वो भी कितने टाइम के लिए, इनफाइनाइट नंबर पीरियड के लिए, मतलब आप क्या चाहते हो कि भाई आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिलना चाहिए 50 रुपए, सेकेंड ईयर में वो हर साल 5% से ग्रो होना चाहिए, सेकेंड ईयर में 52.5, थर्ड ईयर में 55.125, ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट नंबर तक आपको जानना चाहते हो। तो आप जानना बोले कितना रुपए बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बोले इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, यस। क्यों, क्योंकि अरे ये तो 5% से बढ़ रहा है ना, इसलिए तो, और ग्रोथ रेट दिया है फॉर एवर है, मतलब परपेचुटी है, ग्रोथ रेट दिया तो ग्रोइंग परपेचुटी हुआ। तो फॉर्मूला लगा दो, परपेचुटी कौन सा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 डिवाइड बाय आर माइनस जी, आर कितना डिस्काउंट रेट 7%, 5 कितना है ग्रोथ रेट है, कितना 5% है, तो कर दो 50 डिवाइड बाय 0.02 करेंगे तो अपना आएगा 2500। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये सिंपल परपेचुटी और ग्रोइंग परपेचुटी में आप लोग को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है ना। हाँ ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, 2 मिनट आप कंटिन्यू इसी के अंदर कंटिन्यू रखो, और 2 मिनट के बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, कौन सा है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड एनपीवी कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट हमारे पेंडिंग है, वो 2 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद, आप यहां पे कंटिन्यू रहना, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ 2 मिनट आप लोग वेट करना। दो मिनट वेट करना बच्चों।
ओके बच्चों, कंटिन्यू करते बच्चों अपना लेक्चर, ठीक है स्टार्ट करते हैं। हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट हमारे पेंडिंग है, तो पहले दो कॉन्सेप्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, एनपीवी कॉन्सेप्ट और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों पहले हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एनपीवी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। देखो बच्चों अब बात कर लेते पहले वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बच्चों, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज लाइक डिबेंचर, बॉन्ड एक डिबेंचर के जैसा होता है, ठीक है इतना। हाँ तो मान लेते हैं अगर आपने कोई कंपनी के जैसे डिबेंचर खरीदते हो, बराबर, आपने डिबेंचर के बारे में सुना ही हो, मान लो आपने कोई कंपनी के एक्स लिमिटेड कंपनी के 10% डिबेंचर खरीदे, ठीक है बच्चों, हाँ है ना, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, 10% डिबेंचर खरीदे, फेस वैल्यू कितनी, 1000 है, और ये जो डिबेंचर है इसकी 3 ईयर्स रिडीमेबल डिबेंचर है, क्या बच्चे, 3 ईयर्स रिडीमेबल डिबेंचर है, मतलब कंपनी 3 साल तक, 3 साल के बाद आपको पैसे आपको वापस लौटा देगी, ठीक है बच्चों, ओके 3 ईयर्स रिडीमेबल डिबेंचर है। तो अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, तो यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, फर्स्ट ईयर में मतलब आपको डिबेंचर में अगर अपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बोला बच्चों आपको मिलेगा क्या, तो हमको 3 साल तक तो इंटरेस्ट मिलता है ना बच्चों, डिबेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अगर आप एक इन्वेस्टर और आपने कोई कंपनी के डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको 3 साल तक क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, यस बोलो, फर्स्ट इंटरेस्ट किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू कितनी है, 1000 है, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना रेट कितना, 10% है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10%, तो बोलो बच्चों 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपए, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपए, तो आपको 3 साल तक बच्चों इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपीज। अब ध्यान सुन लो, अब 3 साल के बाद क्या मिलेगा, भूल जाने का पैसा नहीं, 3 साल के बाद मिलेगा ना हमको रिडेम्पशन वैल्यू, हमको वापस मिलेगी, मतलब जो रिडेम्पशन वैल्यू क्या होता है, अगर जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि डिबेंचर का रिडेम्पशन कंपनी कब करेगी और कैसे करेगी, अगर रिडीम एट पार बोला हो तो 1000 का 1000 मिलेगा, और रेडीमेड 10% प्रीमियम बुलाओ तो 1000 के बदले 1100 मिलेगा, रेडीमेड 20% प्रीमियम बुलाओ तो 1000 के बदले 1200 मिलेगा, ठीक है ना बच्चों, हाँ तो कुछ ना बुलाओ तो रेडीमेड पार संबंध आए तो 1000 का 1000 मिलेगा, क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो ये हो गया रिडेम्पशन वैल्यू 1000। अब क्या करेंगे बच्चों, हाँ ये हो गया, ये आपको डिबेंचर के बारे में समझ आता है ना बच्चों, पर असर हम तो बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ तो मैंने बोला बॉन्ड इज लाइक डिबेंचर, बॉन्ड भी डिबेंचर के जैसा ही होता है, मैं डिबेंचर की जगह बॉन्ड का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई कंपनी के 10% बॉन्ड खरीदे, फेस वैल्यू 1000 है, वहां पे खाली टर्मिनल चेंज है, 3 ईयर्स रिडीमेबल डिबेंचर लिखा है ना, रिडीमेबल डिबेंचर के बदले यहाँ पे क्या है, 3 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड होगा, इस बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो यहां पर आपको 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल के बाद क्या मिलेगा बच्चों, मैच्योरिटी वैल्यू, 3 साल के बाद आपको मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू एमवी, अगर अगेन उसमें भी यही होगा, मैच्योर पार बोलाओ तो 1000 का 1000 मिलेगा, मैच्योर 10% प्रीमियम बोलाओ तो 1000 के बदले 1100 मिलेगा, मैच्योर 20% प्रीमियम बोलाओ तो 1000 के बदले 1200 मिलेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, आई थिंक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं इसमें किसी को भी। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अब हमको जब भी हमको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड फाइंड करना, हमको क्या फाइंड करना, वैल्यूएशन बॉन्ड का मतलब वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, हमको बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे बता बच्चों प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड कैसे मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड का इज इक्वल टू, हम ऐसा बोल सकते हैं इंटरेस्ट इनटू, सॉरी, अब बॉन्ड में हमको एक चीज मिलती है कि दो चीज मिलती है, दो चीज मिलती है, एक तो इंटरेस्ट मिलता है और एक मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है ना बच्चों, सो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, इन दोनों का जो टोटल आता है उससे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड का क्या आएगा बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इन दोनों का जो टोटल आएगा उससे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, है ना, हाँ। अब देखो बच्चों ये इसका एक दो, एक तो लॉन्ग कट तरीका है, पहले मैं इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर मैच्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर दोनों को प्लस कर दूं, वैसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड फाइंड करने का, वो फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो आपका फटाक से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा।
तुम क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हो, उस फॉर्मूले से इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफए, इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफए फॉर्मूला हमारा वैल्यूएशन बॉन्ड के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफए है ना एट द रेट। अब रेट कौन सा लू, क्या 10% रेट लू, नहीं बच्चों, ये 10% तो डिबेंचर पे बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, ये यहां पर रेट कौन सा आता है, यहां पर रेट आता है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के भाई हमको कितना रिटर्न चाहिए, हम बॉन्ड में पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे बताओ बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसा लाओगे कहां से। आप बोलोगे सर हमारे पास पैसा पड़ा होगा, अच्छा ठीक है, अच्छा अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो वो पैसा आप कहां पर इन्वेस्ट करते होंगे, अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहां पर इन्वेस्ट करोगे, आप बोलो हम बैंक में एफडी करेंगे, यस, तो आपने बैंक में एफडी करोगे तो बैंक में कम से कम कितना रिटर्न मिलेगा, मान लेते हैं 8% मिलता है, तब बॉन्ड में कब इन्वेस्ट करोगे, भाई बैंक में आपको 8% मिला तो बॉन्ड में तभी इन्वेस्ट करोगे जब 8% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, यस, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने बोला हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम तो लोन लेके पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा आपने 15% पे लोन लेके और बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कब करोगे, जब बॉन्ड में 15% से ज्यादा रिटर्न मिल रहेगा तभी आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे ना, यस। तो बच्चे यहाँ पे आर क्या आएगा, बोरोविंग कॉस्ट या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर लोन पे पैसे लाके अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बोरोविंग कॉस्ट, और खुद के पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना बच्चों। हाँ तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मान लेते हैं वो 14% है, कितना 14%, और एन कितना बच्चे, एन तो 3 years है ना अपना, एन कितना है 3 years है, क्यों 3 years है, 3 साल का है ना मेच्योरिटी पीरियड, हाँ 3 years, तो इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफ फॉर 3 years, ठीक है, प्लस ये प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड, ये सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, सॉरी ये मिस्टेक करी मैंने यहाँ पे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड, और मैच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, मैच्योरिटी वैल्यू इंटू पीवीआईएफ, क्या बच्चों इंटू पीवीआईएफ अगेन एट 14% फॉर 3 years, तो कुछ नहीं करना, जब भी वैल्यूएशन बॉन्ड का क्वेश्चन आए तो कोई ये फॉर्मूला लगा देना बच्चों, क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफ है, रेट आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, 14% फॉर 3 years और मैच्योरिटी वैल्यू इंटू पीवीआई फॉर 3 years, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ बच्चों, तो देखो यहां पे मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना है अपना 100 रुपए है, यस, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है बच्चों, सर 1000 है मैच्योरिटी वैल्यू, यस। अब सर ये पीवीआईएफ क्या है, पीवीआईएफ क्या है, पीवीआईएफ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और पीवीआईएफ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं बताऊं बच्चों, हम जो जीटी का बटन प्रेस करने के पहले जो आंसर आता है ना वो पीवीआईएफ आता है, बिफोर जीटी जो आपका आंसर आया ना वो पीवीआईएफ होगा, और आफ्टर जीटी, जीटी का बटन प्रेस करने के बाद जो आता है ना वो क्या होता है, पीवीआईएफ ए होता है। आप बोलोगे हमारे कैलसी में तो जीटी है ही नहीं, तो एमआरसी का बटन दबाने के पहले जो आए वो पीवीआईएफ, और एमआरसी का बटन दबाने के बाद जो आए वो पीवीआईएफ है ना बच्चों, उठाओ कैलसी करो 1/1.14, क्या करोगे बच्चों 1/1.14 करो, 3 = कितना 3, मतलब कैलसी में कितना 5, जीटी मत दबाना, बिना बिफोर जीटी अपना आंसर क्या आ रहा है चेक कर लो, 0.67497 आ रहा है बच्चों, हाँ अब जीटी दबा दो तो 2.3216 आ रहा है, हाँ अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बच्चों, गौर से देखो तो ये आएगा 232.16, और इसका मल्टीप्लाई करो 674.97, अब दोनों का टोटल कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा 907.13। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला यूज कर देना है, तो कुछ नहीं करना है, क्या इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफ प्लस मैच्योरिटी वैल्यू इंटू पीवीआईएफ, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर आज की तारीख में बॉन्ड खरीदना हो तो कितने में खरीदना चाहिए बच्चे, 907.13 रुपए में, है ना, अगर इससे सस्ते मिल रहा हो तो खरीद लो, इससे महंगे मिल रहा हो तो मत खरीदो, समझ गए बच्चों, हाँ इतने में खरीदेंगे तो हमको 14% मिलेगा, मार्केट में अगर इससे भी सस्ते मिल रहा हो तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इससे महंगे में खरीदोगे तो आपको नुकसान होगा, कम रिटर्न मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड, आई थिंक बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा, तो एक बार देख लो, और 2 मिनट बच्चों आप वेट करना, ताकि पेंसिल की थोड़ी चार्जिंग खत्म हो रही है तो मैं पेंसिल की चार्जिंग कंप्लीट कर दूं, 2 मिनट बने रहना और हम कंटिन्यू करते हैं।
कहीं जाना बात, इसके बाद हम बात करेंगे एनपीवी कॉन्सेप्ट के बारे में, दो मिनट के बाद स्टार्ट करने वाले, ठीक है बच्चों। और एनपीवी कॉन्सेप्ट के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे, एनपीवी कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो है पूरा चैप्टर का रिविजन हमने कर लिया होगा एनपीवी कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद में। और जो है हम बात कर रहे थे उसके बाद हम बात करेंगे लॉगरिथम चैप्टर के बारे में और इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। पहले हम लॉगरिथम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। दो मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे इसी कंटिन्यू रहो। ओके बच्चे, दो मिनट आप लोग वेट करिए, दो मिनट हम स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा ये चार्जिंग हो जाए पेन के अंदर, फिर हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे, दो मिनट वेट करना। चलो ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करते अपना लेक्चर, ठीक है। चलो बच्चा, बात कर रहे हैं हमने एनपीवी कॉन्सेप्ट के बारे में, बात कर रहे हैं एनपीवी कॉन्सेप्ट क्या होता है। NPV कॉन्सेप्ट का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों? नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। बच्चों ये कॉन्सेप्ट कब यूज होगा? फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा तो आप आपको NPV कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा बच्चों, फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है इतना। हाँ फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको एनपीवी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और एनपीवी कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ मतलब कोई अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना बच्चों। यस, तो आप क्या करो, आंख बंद करके पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे या सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करोगे? आप बोलोगे सर सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यस, तो बच्चे ये एनपीवी कॉन्सेप्ट आपको सोचने समझने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है ना। ओके, ये एनपीवी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एनपीवी पहले फॉर्मूला लिख दो, एनपीवी इज इक्वल टू क्या होता है? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, पीवीसीआई का मतलब क्या है? पीवीसीआई का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो।
क्या बच्चों? पीवीसीआई का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और पीवीसीओ का मतलब क्या है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सीआई मतलब कैश इनफ्लो एंड सीओ मतलब कैश आउटफ्लो। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? हाँ। तो और एनपीवी का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो तो नेट हो गया ना, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे बताओ बच्चों, कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश इनफ्लो ज्यादा है और कैश आउटफ्लो कम है? अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश इनफ्लो ज्यादा है और कैश आउटफ्लो कम है, तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर करना ही चाहिए ना। कैश इनफ्लो ज्यादा है, कैश आउटफ्लो कम है, यस। पैसा आता ज्यादा है और जाता कम है, मतलब बिजनेस करना चाहिए, यस। अच्छा, कोई बिजनेस है जिसमें कैश इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज्यादा हो, तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि लॉस होगा अपने को, यस। तो मुझे बताओ, एनपीवी अगर पॉजिटिव हो तो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव कब होगा बच्चों? जब भी कैश इनफ्लो ज्यादा हो, कैश आउटफ्लो कम होगा, तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा। एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट द प्रपोजल। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेप्ट द प्रपोजल। एक्सेप्ट द प्रपोजल का मतलब बिजनेस करना चाहिए। और एनपीवी नेगेटिव आएगा बच्चों, इसका मतलब क्या है? एनपीवी जीरो हो, मतलब जीरो से कम हो, नेगेटिव हो। एनपीवी नेगेटिव कब आएगा? जब कैश इनफ्लो कम और कैश आउटफ्लो ज्यादा हो, तो एनपीवी नेगेटिव आएगा। और एनपीवी नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा बच्चों? उसको क्या बोलेंगे? रिजेक्ट द प्रपोजल। क्या करेंगे इसमें? रिजेक्ट द प्रपोजल। डन बच्चों? एनपीवी पॉजिटिव हो तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, एनपीवी नेगेटिव हो तो रिजेक्ट द प्रपोजल। ठीक है। और एनपीवी जीरो हो तो क्या करेंगे बच्चों? एनपीवी जीरो होगा तो हम बोलेंगे टाई। क्या बोलेंगे? टाई, है ना, या फिर इनडिफरेंस पॉइंट। टाई बोल सकते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, या कांट से। टाई, इनडिफरेंस पॉइंट या फिर कांट से। ठीक है बच्चों? हाँ, टाई बोल सकते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर कांट से बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्यों? मतलब जितना कैश इनफ्लो उतना ही कैश आउटफ्लो है, यस। और अगर ये सब ऑप्शन में ना दिया हो और एक्सेप्ट रिजेक्ट में से कोई चूज करना हो, तो क्या करेंगे बच्चों? एक्सेप्ट द प्रपोजल। प्रैक्टिकल लाइफ में जो करना हो करना, बट एग्जाम पर्पज के लिए ध्यान रहे, कुछ ना बोला हो तो आपको ये एनपीवी जीरो हो तो एक्सेप्ट द प्रपोजल बोलेंगे। तो एनपीवी पॉजिटिव हो, कंफर्म एक्सेप्ट द प्रपोजल। एनपीवी नेगेटिव हो, कंफर्म रिजेक्ट द प्रपोजल। एनपीवी जीरो हो तो पहले देखेंगे टाई, इंडिफरेंस पॉइंट, ये कांट से वाला ऑप्शन हो तो वो चूज करेंगे, वो ना हो तो फिर एक्सेप्ट द प्रपोजल। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं बच्चों। अब मान लेते हैं बच्चों, खास ध्यान समझो, ये मिस्टर एक्स नाम का बंदा है, इसको अपना ना जींस मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, जींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको स्टार्ट करना है, फैक्ट्री स्टार्ट करना है। तो ये पूरा इसने मार्केट स्टडी किया, रिसर्च किया, तो उसको पता चला भाई 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए का। मुझे बताओ, बिजनेस में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो केस आएगा या जाएगा? अरे सर, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो केस इनफ्लो क्या आउटफ्लो? केस आउटफ्लो कब जाएगा? अरे आज बिजनेस स्टार्ट करें तो आज ही जाएगा ना। तो कहना ही से पीवीसीओ, पीवीसीओ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस आउटफ्लो। तो पीवीसीओ कितना है बच्चों? 5 लाख। और इसमें हमको पता है, इसको इसने पूरा मार्केट स्टडी किया, रिसर्च किया, तो मालूम पड़े जो प्लांट डाला है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी? 5 साल है। मतलब इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट हमको अगले 5 साल तक ही मिलने वाला है। 5 साल के बाद ये प्लांट खराब हो जाएगा, फिर नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस में से हमको प्रॉफिट कितना होगा 5 साल तक? तो हमको बोलो हर साल 120 का प्रॉफिट होगा। हर साल कितना प्रॉफिट होगा बच्चों? 120 का प्रॉफिट होगा। ये सब कुछ एस्टिमेटेड है, इसने मार्केट स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि भाई इन्वेस्टमेंट कितने का करना पड़ेगा? 5 लाख का। और हमको प्रॉफिट कितना होगा हर साल? 120 का प्रॉफिट होगा हर साल। पक्का बच्चों? क्लियर है यहां तक? ओके, अब मुझे बताओ ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कैसे मालूम पड़ेगा? तो बोलो सर एनपीवी निकालना पड़ेगा ना। तो हाँ, एनपीवी कैसे निकालते बच्चों? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। अगर मैं बोलूं आपको बिजनेस करना चाहिए, बोलो हाँ करना चाहिए ना, क्यों? अरे सर प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 का 5 साल तक, तो 6 लाख रुपए मिला और हमारा गया कितना? 5 लाख, तो 1 लाख का प्रॉफिट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बोलता हूं बच्चों, आज आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो और 5 साल के बाद मैं आपको 1,01,00,000 रुपए दूंगा। बोलो बच्चों, दोगे? अरे 1,00,000 रुपए आपको ज्यादा मिल रहा है ना, 1,00,000 रुपए आपका एनपीओ, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं समझे? दोगे?
नहीं क्यों? अरे भाई सर, हम 1 करोड़ रुपए आपको आज दे रहे हैं, वो हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, हमको ज्यादा नहीं मिल जाएगा। हाँ तो बच्चे ध्यान रहे, ये 5 लाख रुपए आप कब लगा, हम कब लगा रहे हैं, आज की तारीख में, और ये 6 लाख रुपए आपको आज थोड़ी ना मिल रहे हैं, ये सब फ्यूचर वैल्यू। देखो ये 1 20 कब मिलेगा, 1 साल के बाद, ये 1 20 कब मिलेगा, 2 साल के बाद, ये 120 3 साल के बाद, ये 124, ये 125। तो कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो कैश इनफ्लो की भी क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रॉफिट मतलब कैश इनफ्लो हुआ ना, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या निकालेंगे, पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये कैसे निकालते हैं बोलो, इजी, पहले अपने अपने आप से क्वेश्चन मुझे, इजी क्वेश्चन ऑफ एन्युटी, यस सर, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है टाइम के इक्वल, तो क्वेश्चन किसका हुआ, एन्युटी का। और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालते हैं बच्चों, एन्युटी इंटू पीवीआई पे कर देते हैं अपने, तो कर दो एन्युटी इंटू पीवीआईएफ ए। अब रेट कौन सा लू, अगेन मुझे बता, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख रुपए आप लाओगे कहां से। अगर आपने बोला कि भाई 5 लाख रुपए हमने लोन लेके पैसे लगाए, तो मान लो 15% पे आपने लोन लिए, तो आपको, आप बिजनेस में पैसा कब इन्वेस्ट करोगे, आप बोलोगे भाई कम से कम 15% तो रिटर्न तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तो ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ना। हाँ अगेन बोरोइंग कॉस्ट या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बच्चों ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो मान लेते हैं आपने 15% पे लोन लिया, तो आपको कम से कम 15% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस होगा। तो पीवीआईएफ किससे निकाले, 15% से, और एन कितना, 5 ईयर्स, तो एन लिख दो 5 ईयर्स, ठीक है बच्चों। हाँ अब देख लो, तो अब यहाँ पे देख लो एन्यूटी कितना है, 120 है लिखा, 1 डिवाइड बाय 1.15 किया, इक्वल कितना बच्चों, 5, मतलब कैल्सियम में कितना, 7, फिर क्या करेंगे जीटी करो, और इनटू 120 कर लो बच्चों, कि देखो क्या आंसर आता है, तो करेंगे इसका आंसर, देखो क्या आता है, चेक करके देखो, 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जीटी इनटू 1,20,000। ओके तो 4 लाख हमारा ये आएगा, 4,02,258 ये हमारा पीवीसी आया है, क्या है बच्चों, पीवीसीआई। हाँ अब देखो, अब मैं इसका एनपीवी निकालू तो क्या आएगा, एनपीवी आएगा माइनस में आएगा ना एनपीवी, हाँ क्यों, एनपीवी क्या होता है, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, तो चार एपीवीसीआई कितना, 4,02,258 आया, और पीवीसीओ कितना है, 5 लाख है, तो अपना एनपीवी कितना आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, -97,742 अपना एनपीवी नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो बोलो बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट द प्रपोजल, नहीं करना चाहिए, लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या पता है, कि हमको बिजनेस में 15% से कम रिटर्न मिल रहा है, एनपीवी नेगेटिव आया मतलब जितनी हमारे लोन लेके हमने पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे बिजनेस में 15% से कम रिटर्न मिल रहा है, समझ रहे हो। हाँ और एनपीवी पॉजिटिव आया मतलब 15% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, एनपीवी जीरो मतलब 15% ही रिटर्न मिल रहा है, समझ गया बच्चों, क्लियर है आई थिंक, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर साल प्रॉफिट इक्वल हो, सही बात है बच्चों, अगर प्रॉफिट इक्वल ना हो तो हम क्या करेंगे, तो वो उसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉफिट इक्वल ना हो तो उस केस में क्या होगा, मान लो तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं मिस्टर एक्स वाला, इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है उसको, कितने का, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या पैसे गए, हाँ तो क्या हुआ, पीवीसी हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना, 5 लाख, और इसमें हर साल प्रॉफिट इक्वल नहीं आ रहा है, मान लेते हैं 5 साल की लाइफ है और हमको प्रॉफिट कितना होगा, फर्स्ट ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, फोर्थ ईयर में 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, और फिफ्थ ईयर में अगेन 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। चलो अभी इस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन दी है, अब हमको फाइंड करना है ये क्या है हमारा, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब कैश इनफ्लोज है। अब हमको जानना है कि बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बच्चों, अब बताओ क्या कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो जब भी बच्चे ये प्रॉफिट अगर इक्वल ना हो ना, तो यहाँ पे अगर इक्वल होता तो हम एन्युटी इनटू पीवीएफए करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, बट इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे बच्चों, टेबल बनाएंगे।
अब आप लोग सर टेबल कैसे बनाते हैं तो मैं आपको समझाता हूं बच्चे। देखो जब भी ये प्रॉफिट इक्वल ना हो तो हमको टेबल बनाना है। कैसे बनाना है, पहले यहां लिखेंगे ईयर। ईयर कितना है भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे ईयर लिख दिया। फिर यहां लिखो बच्चों आप प्रॉफिट, मतलब जो भी कैश इनफ्लो आपको दिया है वो कैश इनफ्लो कितना कितना प्रॉफिट हुआ वो लिख दो, कितना कितना प्रॉफिट हुआ। देखो 1 लाख 2 लाख 50,000 तो लिख दो 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 50,000, फिर 1 लाख 50,000 और फिर 1 लाख। ठीक है, अब ये प्रॉफिट को हम क्या, ये सब फ्यूचर वैल्यू, इन सब की हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो इंटू पीवीआईएफ कर देंगे। क्या करेंगे बच्चे, इंटू पीवीआईएफ सीखा था ना, जीटी के पहले जो आता है वो पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना हो तो हम ये पीवीआईएफ फाइंड करते हैं। तो पीवीआईएफ फाइंड करेंगे कितना, 15%, मान ले 15% लोन लेके पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15% से पीवीआईएफ निकाल लें। पीवीआईएफ को है ना डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं। कितनी बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्काउंट फैक्टर दे दिया होगा, तो डायरेक्ट दे दिया हो तो जो दिया हो यूज कर लो, नहीं दिया है तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो उठाओ कैलसी, कैलसी उठाओ। हाँ तो कैलसी उठाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 डिवाइड बाय 1.15 करो, 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू, पहली बार इज इक्वल टू करो तो देखो आपका आंसर क्या रहा है, 0.8696 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लो। ठीक है, हाँ ये जीटी नहीं दबाना, ध्यान रख पीवीआई 1 डिवाइड बाय 1.15 किया इज इक्वल टू, पहली बार इज इक्वल टू क्या फर्स्ट ईयर का आया, फिर दूसरी बार इज इक्वल टू करोगे तो सेकंड ईयर का आएगा, कितना आया 0.7561 आ रहा है बच्चों सबका। फिर तीसरी बार इज इक्वल टू करोगे तो ये थर्ड ईयर का आएगा 0.6575 है ना बच्चों। फिर चौथी बार इज इक्वल टू करोगे तो फोर्थ ईयर का आएगा 0.57118 और फिफ्थ बार इज इक्वल टू कर दो तो ये फिफ्थ का 0.4972। डन बच्चों, क्लियर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये जो मिलेगा प्रॉफिट इंटू पीवीआई करने का जो मिलेगा वो क्या आएगा, पीवीसीआई। क्या मिलेगा बच्चों, पीवीसीआई। तो मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करो उसको एम प्लस करते जाना। ठीक है, तो देखो मैं करते जा रहा हूं, 1 लाख इंटू 0.8696। ठीक है, ओके, तो ये आया 86,960। जो भी आपका आंसर है एम प्लस करते जाना, फिर करो तो 2 लाख इंटू 0.7561। ठीक है, एम प्लस करते जाएंगे तो देखो ये आएगा 1,51,220। ठीक है बच्चों, हाँ फिर करो 50,000 इंटू 0.6575। ठीक है, फिर एम प्लस तो 32,875। फिर करो 1,50,000 इंटू 0.5718 एम प्लस 85,770। ठीक है बच्चों, फिफ्थ का 1 लाख इंटू 0.4972 तो 49,720। डन बच्चों, अब सबका टोटल कर देंगे तो सबका टोटल करोगे तो ये क्या आएगा, पीवीसीआई, टोटल पीवीसीआई एमआरसी कर देते हैं तो ये आया 4,06,545 आया। डन, हाँ ये पीवीसीआई है, माइनस क्या करेंगे बच्चों पीवीसीओ, कितना है 5 लाख, तो एनपीवी क्या आ रहा है बच्चों, माइनस में आ रहा है, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो माइनस कितना आएगा बच्चों, 93,455, ये एनपीवी नेगेटिव आया। आई थिंक बच्चों यहां पर हमने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, एनपीवी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, डन, क्लियर है सबको यहां तक पक्का, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट किसी को भी इसमें, ओके बच्चों क्लियर है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा टाइम वैल्यू अपनी चैप्टर का पूरा हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लिया है। अब हम थोड़ा लॉगरिथम के अंदर देख लेते हैं। लॉगरिथम के अंदर बच्चों 9 इंपॉर्टेंट रूल्स हमको पहले शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं
और उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चों? हाँ तो यहां पर बच्चों हमने टाइम वैल्यू मनी के सारे 10 कॉन्सेप्ट का हमने रिवीजन कर लिया है, ठीक है ना? जस्ट ए मिनट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें और लॉगरिथम चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते अपने। अब लॉगरिथम चैप्टर की बात बात करें तो बच्चों यहाँ पे ना मैंने बताया 9 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। 9 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम, 9 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है बच्चों? कौन कौन से 9 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं तो मैं आपको बता दूं। रूल नंबर 1, बोलो रूल नंबर 1 क्या होता है बच्चों? शिफ्टिंग रूल। रूल नंबर 1 क्या होता है? शिफ्टिंग रूल। ये रूल कब यूज होगा बच्चों? जब भी लॉग लगाना हो या लॉग हटाना हो तो क्या यूज करेंगे? रूल नंबर 1 शिफ्टिंग रूल। फॉर द एग्जाम्पल लॉग लगाएंगे तो क्या आएगा? ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी, ऐसा दिया आपने को। हाँ बोलो, लॉग लगाएंगे कि लॉग हटाएंगे? लॉग नहीं है तो लॉग लगाना है, लॉग हो तो लॉग हटाना है। तो लॉग लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा? लॉग लगाएंगे तो ये एक्स इक्वल टू के इस साइड और बी इक्वल टू के इस साइड है, शिफ्टिंग रूल। ये एक्स यहां शिफ्ट हो जाएगा, बी यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों? लॉग ए रेस टू बी इज इक्वल टू एक्स, बराबर ना? सही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा? अब ये बी है ना, बी, हाँ ये बी ए को धक्का मारेगा, चल हट आगे जा, तो बी ए को धक्का मारेगा तो बच्चों ए कहां जाएगा? बेस में। हाँ तो बी ए को धक्का मारेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? लॉग बी टू द बेस ए, डन बच्चों? हाँ, तो ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी, लॉग लगाएंगे तो एक्स इधर आएगा, बी इधर आएगा, बी ए को धक्का मारेगा तो ये क्या होगा? लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, डन बच्चों? क्लियर है पक्का? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, ये था लॉग लगाना। अगर हमको लॉग हटाना है तो बच्चों लॉग हटाते टाइम कोई धक्का मुक्की करने का नहीं, लॉग हटाएंगे तो वापस से ये बी इक्वल टू के उस साइड और ये एक्स इक्वल टू के इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए रेज टू एक्स इक्वल टू बी। अब बोलोगे सर ये तो वही हो गया, तो वही होगा ना बच्चों? हाँ देखो, दोनों नहीं करना, या तो लॉग लगाएंगे या तो लॉग हटाएंगे, समझ रहे हो? लॉग दिया हो तो लॉग हटाना है, लॉग नहीं दिया हो तो लॉग लगाना है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। टू रेस टू एक्स इक्वल टू 700, इसमें लॉग लगाना है, लॉग एक्स बेस 32 इज इक्वल टू 1/5, इसमें लॉग हटाना है। अब बताओ बच्चों क्या करेंगे? बताओ, अब लॉग पहले लॉग लगाना है ना, तो लॉग लगाएंगे तो क्या होगा? ये एक्स इक्वल टू के इस साइड, 700 इक्वल टू के इस साइड, फिर 700 टू को धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? लॉग 700 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। आई थिंक बच्चों अब लॉग लगाने में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पे लॉग हटाएंगे, लॉग हटाते ना हमको धक्का मुक्की करना नहीं है, लॉग हटाएंगे तो बच्चों ये एक्स इक्वल टू के उस साइड, 1/5 इक्वल टू के इस साइड, तो बच्चों यहां पर क्या आएगा? 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू एक्स, डन बच्चों? आई थिंक ये रूल नंबर 1 शिफ्टिंग रूल क्लियर हो गया बच्चों। रूल नंबर 1 शिफ्टिंग रूल क्या बोलता है? जब भी लॉग लगाना हो या लॉग हटाना हो, रूल नंबर 1 शिफ्टिंग रूल यूज होगा, बराबर है? हाँ, लॉग लगाएंगे ए रेस टू एक्स इक्वल बी, एक्स इधर आएगा, बी इधर आएगा, बी ए को धक्का मारेगा तो लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, लॉग हटाएंगे तो लॉग हटाते हमको धक्का मुक्की करना नहीं है। आई थिंक बच्चों रूल नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2 के बारे में। तो देखो बच्चों रूल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 का नाम है ब्रह्मास्त्र। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? ब्रह्मास्त्र। हमने बताया जब कोई रूल अप्लाई ना हो तो ब्रह्मास्त्र, कुछ तप्पी ना पड़े तो ब्रह्मास्त्र, कुछ समझ ना आए तो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है क्या सर? तो देखो लॉग ए टू द बेस बी ऐसा हो ना, तो सिंपली डिवाइड कर दो लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग ए टू द बेस बी हो तो क्या करेंगे बच्चों? लॉग ए अपॉन लॉग बी, एंड लॉग ए अपॉन लॉग बी दिया हो तो क्या करेंगे? लॉग ए टू द बेस बी। ऐसा दिया हो तो ऐसा करेंगे, और ऐसा दिया हो तो ऐसा करेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, बोलो बच्चों लॉग एक्स टू द बेस 2 तो क्या होगा, और लॉग एक्स अपॉन लॉग 5 तो क्या होगा? अब लॉग एक्स टू द बेस 2 दिया हो तो हम क्या करेंगे? इसको लॉग एक्स अपॉन लॉग 2 कर देंगे। हाँ, और लॉग एक्स अपॉन लॉग 5 दिया हो तो क्या करेंगे? इसको लॉग एक्स टू द बेस 5 कर देंगे। डन बच्चों, क्लियर है? आई थिंक रूल नंबर 2 ब्रह्मास्त्र में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना बच्चों? यस, अब आगे बढ़ते बच्चों रूल नंबर 3।
रूल नंबर थ्री क्या होता है याद करो बच्चों, रूल नंबर थ्री होता है पावर रूल। रूल नंबर थ्री क्या होता है बच्चों? पावर रूल। हाँ रूल नंबर थ्री क्या होता है बच्चों? पावर रूल। ये पावर रूल कब अप्लाई होता है देखो ध्यान से, पावर रूल क्या बोलता है? पावर होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होता है पावर में, मतलब लॉग एक्स रेस टू एन, तो एन लॉग एक्स, और एन लॉग एक्स होता है लॉग एक्स रेस टू एन, मतलब पावर होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होता है पावर में। तो अगर मैं आपको पूछू लॉग एक्स रेस टू थ्री और फाइव लॉग वाई, तो क्या आंसर आएगा? पहले लॉग एक्स रेस टू थ्री का बताएंगे तो क्या आएगा? ये पावर में है तो कहां आएगा? मल्टीप्लाई में। तो लॉग एक्स रेस टू थ्री का क्या होगा बच्चों? थ्री लॉग एक्स। डन बच्चो? हाँ थ्री लॉग एक्स। तो फाइव लॉग वाई का क्या होगा? ये फाइव मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो पावर में, तो यहां हो जाएगा लॉग वाई रेस टू फाइव। समझ गया बच्चों? तो ध्यान रहे रूल नंबर थ्री क्या है? पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है? पावर हो तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हो तो पावर में। लॉग एक्स रेस टू एन, एन लॉग एक्स, एन लॉग एक्स, लॉग एक्स रेस टू एन। डन बच्चों? क्लियर है? हाँ रूल नंबर थ्री के बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बच्चों, क्या लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बेस की पावर कितना करे कि नंबर आ जाए। तो अगर मैं सब पूछू आपको लॉग 32 बेस 2 इसका आंसर क्या आएगा, तो सिंपल मैंने बताया था लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बेस की पावर कितना करे कि नंबर आ जाए। बोलो बच्चों 2 की पावर कितना करो 32 हो जाए, 5, तो इस पूरे का आंसर 5। कुछ नहीं करना, क्या करना है? 5। अब मैं आपको पूछू लॉग 19683 टू द बेस 3, तो अपना आंसर क्या आएगा? बोलो 3 की पावर कितना करूं कि 19683 आए, 9, तो पूरे का आंसर 9। समझ गए? चलो अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप लोग मेरे को बताओ लॉग 64 बेस में रूट 2, तो अपना आंसर क्या आएगा? अब बोलो सर रूट है, हाँ रूट है, तो मैंने क्या समझाया था बच्चे रूट है, रूट के अंदर का निकालो। बोलो अच्छा 2 की पावर कितना करूं कि 64 आए, 6, रूट है तो डबल है ना बच्चे, याद आ रहा है आपको? हाँ आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। तो 6 2 12। फिर कितनी बार आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे लॉग 21952 टू द बेस में 2√7। अब यहां पे जब मैंने बताया था बच्चों जब भी आपको बेस में आधा नंबर आधा रूट दिया हो ना, तो क्या करना है? पूरा रूट करना बच्चों। क्या? जब भी बेस में आधा नंबर आधा रूट दिया हो तो क्या करना है? पूरा रूट करना है। तो यहां पे 2√7 दिया है तो क्या करेंगे, इसको 2 को रूट में लिखेंगे तो क्या आएगा? √4 √4 × √7 कितना होता है? √28। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग 21952, ये 2 को √4 √4 × √7 मतलब रूट में 28। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना 100%। चलो अब क्या करेंगे, उठाओ कैलसी। बोलो बच्चों ये वाला √28 किसा है? ये 2 को रूट में कन्वर्ट किया तो √4 √4 × √7 तो √28। तो जब भी बेस में आधा नंबर आधा रूट दिया तो पूरा रूट कर देने का। अब उठाओ कैलसी 28 की पावर कितना, पहले बेस इस रूट के अंदर का निकालो, 28 की पावर कितना करो कि 21952 आए, 3, रूट है तो डबल, तो 3 2 6। आई थिंक बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग भी आपको। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। बच्चों रूल नंबर 4 क्या होता है? रूल नंबर फोर क्या है बच्चों? गुमनाम। रूल नंबर 4 क्या है बच्चों? गुमनाम, है ना, गुमनाम। ये क्या बोलता है? लॉग ए टू द बेस ए। बच्चों जब भी लॉग में नंबर और बेस सेम होता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या? जब भी लॉग में क्या होता है बच्चों? लॉग में नंबर और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर हम कैसे मान ले? देखो लॉग ए टू द बेस ए ब्रह्मा सप्लाई कर दो तो लॉग ए अपन लॉग ए कैंसिल, अपना आंसर बना गया ना। हाँ ठीक है बच्चों, तो लॉग 2 बेस 2 कितना होता है? 1। लॉग 5 बेस 5 कितना होता है? 1। लॉग 7 टू द बेस 7 कितना होता है? 1। लॉग 10 बेस 10 कितना होता है? 1। अच्छा लॉग 10 बेस में कुछ नहीं लिखा है तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हमारा चैप्टर कौन सा है? कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में बेस में क्या होता है? 10 होता है। कुछ नहीं लिखा हो तो बेस में 10 ही समझना है। तो लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, ये था रूल नंबर 4। अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? तो बच्चों देखो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 की बात करो तो बच्चों रूल नंबर 5 क्या होता है? 6 वैल्यूज। रूल नंबर 5 होता है बच्चों 6 वैल्यूज। 6 वैल्यू कौन कौन सी होती है बच्चों? देखो ध्यान से, फर्स्ट बोलो बच्चों लॉग 1 की वैल्यू 0। हमने बोला लॉग 1 के बेस में कुछ भी हो अपना आंसर क्या आएगा? 0। लॉग 1 टू एनी बेस, लॉग 1 टू द बेस एक्स बराबर लॉग 1 के बेस में कुछ भी हो अपना आंसर क्या आएगा? 0। आप बोलोगे हम कैसे मान ले? तो देखो बोलो बच्चों एक्स की पावर कितना करो कि माना जाए? 0। हमको पता है ना कि किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है।
एक्स की पावर कितना करो के माना जाए, आंसर जीरो है ना। हाँ तो लॉग वन के बेस में कुछ भी हो, एक्स की जगह टू हो, थ्री हो, फाइव हो, कुछ भी हो, लॉग वन के बेस में कुछ भी हो, अपना आंसर क्या आएगा, जीरो। समझ रहे हो? तो लॉग वन की वैल्यू जीरो, सेकेंड लॉग टेन की वैल्यू वन, लॉग हंड्रेड की वैल्यू टू, लॉग थाउजेंड की वैल्यू थ्री, लॉग टेन थाउजेंड की वैल्यू फोर, और लॉग वन लेख की वैल्यू फाइव। डन बच्चों, लॉग वन की वैल्यू जीरो, लॉग टेन की वैल्यू वन, लॉग हंड्रेड की वैल्यू टू, लॉग थाउजेंड की वैल्यू थ्री, लॉग टेन की वैल्यू फोर, लॉग वन लेख की वैल्यू फाइव। ओके बच्चों, ये था रूल नंबर फाइव, सिक्स वैल्यूज। आई थिंक बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते बच्चों, ये था रूल नंबर फाइव। अब मुझे बताओ लॉग वन टू द बेस वन, तो अब ये क्या होगा, याद करो बच्चों। मैंने बताया जब भी बेस में वन आएगा ना, किसी भी नंबर के बेस में अगर वन आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अनडिफाइंड, याद रहे, है ना। हाँ नहीं तो अगर आपको ऑप्शन बोला ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन, तो यहां पर अपना आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा नन। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी नन आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड अपना आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे रूल नंबर फोर या फाइव अप्लाई नहीं होगा। तो जब भी बेस में वन आएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर मैं बोलू लॉग फाइव बेस वन तो भी अगेन वैल्यू अनडिफाइंड, तो वैल्यू अनडिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि बेस में, क्योंकि लॉग वन टू द बेस वन है, वैल्यू अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि बेस में वन है। समझ गए बच्चों? आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, रूल नंबर फाइव हो गया, सिक्स वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सिक्स पे आ जाते हैं बच्चों। तो रूल नंबर सिक्स क्या कहना चाह रहा है, रूल नंबर सिक्स होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन रूल। क्या बच्चों? मल्टीप्लीकेशन रूल। रूल नंबर सिक्स है अपना मल्टीप्लीकेशन रूल, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। ये बोलता है लॉग बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन, क्या बच्चों? लॉग बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या आएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन सेपरेट। क्या बच्चों? लॉग बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन सेपरेट, और लॉग एम प्लस लॉग एन सेपरेट हो तो लॉग बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन। समझ गए बच्चों? हाँ, मतलब अगर मैं आपको ऐसा पूछू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में है ना। हाँ प्लस में, मतलब मल्टीप्लीकेशन का होना चाहिए लॉग बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए बच्चों सेपरेट में। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड होगा तो क्या बोलेंगे, लॉग बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन। डन ना बच्चों? यस। अब आगे बढ़ते बच्चों रूल नंबर सेवन। ये रूल नंबर सेवन क्या होता है, डिविजन रूल। रूल नंबर सेवन क्या है बच्चों, डिविजन रूल। अब डिवीजन रूल क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। लॉग बाहर ब्रैकेट में डिवाइड, क्या बच्चों? लॉग बाहर ब्रैकेट में डिवाइड हो तो अपना क्या आएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन सेपरेट, और लॉग एम माइनस लॉग एन सेपरेट दिया हो तो लॉग बाहर ब्रैकेट में डिवाइड। डन बच्चों? तो मुझे बताओ लॉग एक्स माइनस वाई, सेकेंड लॉग एक्स अपॉन वाई, थर्ड लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, फोर्थ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। चलो बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो। तो लॉग एक्स माइनस वाई बोलो, यहां पे क्या आएगा, ना रूल नॉट एप्लीकेबल। क्यों? अरे माइनस तो सेपरेट में होना चाहिए, ब्रैकेट में तो डिवाइड होना चाहिए, तो यहां पे रूल अप्लाई नहीं होगा। लॉग एक्स अपॉन यहां पे होगा, यस लॉग बाहर ब्रैकेट में डिवाइड है ना, तो यहां पे रूल अप्लाई होगा log x माइनस log y सेपरेट, ठीक है ना बच्चों। और log x अपॉन log y सेपरेट तो ना रूल नॉट एप्लीकेबल। क्यों? सेपरेट में तो माइनस होना चाहिए, डिवाइड में तो log बाहर ब्रैकेट में डिवाइड होना चाहिए, तो यहां पे ना, यहां पर यस log m माइनस log n सेपरेट तो log बाहर ब्रैकेट में डिवाइड, ठीक है बच्चों। तो ये था रूल नंबर सेवन डिविजन रूल, और ये रूल नंबर सिक्स मल्टीप्लीकेशन रूल। आई थिंक बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी नहीं है यहां तक इसमें। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों रूल नंबर एट। अब अच्छा, ये रूल नंबर एट क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार।
तो देखो बच्चों, रूल नंबर 8 के बारे में बात करूं तो रूल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है। रूल नंबर 8 है गुमनाम पार्ट 2। रूल नंबर 8 क्या है बच्चों? गुमनाम पार्ट 2। रूल नंबर 8 गुमनाम पार्ट 2, ठीक है। हाँ, तो इसमें रूल नंबर 8 गुमनाम पार्ट 2 क्या बताए, जब भी लॉग पावर में हो बच्चों, क्या जब भी लॉग पावर में हो और ये बेस और ये बेस सेम हो तो रूल नंबर 8 गुमनाम पार्ट 2 अप्लाई होगा। a रेस टू लॉग एक्स टू द बेस a। बोलो बच्चों यहां पर क्या है, गौर से देखो, लॉग पावर में है और ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है ना। हाँ, तो अपना आंसर क्या आएगा, x। आप बोलोगे हम कैसे मान लें, तो देखो बच्चों 2 रेस टू लॉग 32 बेस 2 है ना बच्चों। तो गौर से देखो, लॉग लॉग पावर में, ये लॉग पावर में है और ये बेस और बेस सेम है, तो अपना आंसर क्या आएगा, 32। चेक कर लो कैसे, इसकी वैल्यू कितनी, लॉग 32 बेस 2 की वैल्यू निकालो। लॉग 32 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 5। लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग, बेस की पावर कितना करके नंबर आ जाए, तो लॉग 32 बेस 2 की वैल्यू कितनी, 5। 2 रेस टू 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32। डन बच्चों, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते बच्चों रूल नंबर 9। अब मैं बात करूं रूल नंबर 9 के बारे में, तो देखो बच्चों रूल नंबर 9 क्या होता है, गुमनाम पार्ट 3। ये रूल नंबर 9 गुमनाम पार्ट 3 क्या बोलता है, जब भी लॉग पावर में हो और ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम ना हो। रूल नंबर 8 क्या बोलता था बच्चों, लॉग पावर में हो और ये बेस और ये बेस सेम हो तो रूल नंबर 8 अप्लाई होता है, जबकि यहां पे रूल नंबर 9 का अप्लाई होगा, लॉग पावर में हो और ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम ना हो तो रूल नंबर 9 अप्लाई होगा बच्चों। तो इस केस में क्या करेंगे बोलो, तो यहां पे गौर से देखो, ए रेस टू लॉग बी बेस एक्स है ना। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये ए और ये बी दोनों आपस में इंटरचेंज जाएंगे बच्चों। तो इंटरचेंज जाएंगे तो क्या आएगा, ए रेस टू लॉग बी बेज एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू लॉग ए बेज एक्स। डन बच्चों, यस। तो ए रेस टू लॉग बी बेज एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू लॉग ए बेज एक्स हो जाएगा। डन बच्चों। हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं 8 रेस टू लॉग 32 बेस 2, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बोलो बच्चों, तो इसकी वैल्यू आएगी बोलो किसके बराबर, ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज आएगी ना आपस में। हाँ, तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही रहने वाली है, तो 32 रेस टू लॉग 8 बेस 2। अब चेक करो दोनों की वैल्यू इक्वल ही आएगी, हम कैसे मान लें, चेक कर लो बच्चों। तो 8 रेस टू, मुझे बताओ लॉग का एग्जैक्ट मीनिंग, लॉग 32 बेस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये 8 रेस टू 5 निकालो और यहाँ पे 32 log 8 base 2 की वैल्यू कितनी, 3। तो 32 का क्यूब निकालो, तो गौर से 8 raise to 5 क्या होता है, 32768, और यहाँ पे भी क्या होता है, 32768। चेक कर लो तो बच्चे इक्वल है ना। हाँ, रूल नंबर 9 क्या है, गुमनाम पार्ट 3, जब भी log पावर में हो और ये बेस और बेस सेम ना हो तो रूल नंबर 9 अप्लाई होगा। रूल नंबर 9 क्या बोलता है, a raise to log b is equal to b raise to log a, a rest log c is equal to c rest log a, x rest log y is equal to y rest log x, m rest log n is equal to n rest log m। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बोलो बच्चों, a rest to log b upon b rest to log a, तो इसका आंसर क्या आएगा, अरे सर ये तो कैंसिल, सेम नंबर माइनस सेम नंबर कैंसिल, सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर कैंसिल होगा, तो अपना आंसर 1 आएगा। हाँ, आई थिंक बच्चों ये 9 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हो इसके, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि 9 इंपॉर्टेंट रूल्स के अलावा कुछ नहीं, और इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, हर क्वेश्चन अलग अलग है, हर क्वेश्चन नए हैं, ठीक है इतना। हाँ, तो आपको ये सारे रूल्स अच्छे से पढ़ के एक बार आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो आपको आ जाएगा समझ में। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं अपने, कौन से, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं अपने बच्चों, ठीक है। हाँ, ओके बच्चों, अब देखो इनइक्वालिटी वाले चैप्टर के ऊपर अपने आ जाते हैं। अगर मैं इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में बात करूं, लीनियर इनइक्वालिटी, एकदम इजी चैप्टर जैसे हमने बताया आपको, है ना। हाँ, बस हमको इतना खाली ध्यान रखना है कि कॉमन रीजन, बराबर, अगर लेस देन इक्वल टू की साइन हो तो कॉमन रीजन कहां आता है, साइड ऑफ जीरो, कहां आता है बच्चों, साइड ऑफ जीरो, जीरो की साइड।
और ग्रेटर देन इक्वल टू तो कॉमरेजन कहां आता है, अपोजिट साइड ऑफ जीरो, है ना, अपोजिट साइड ऑफ जीरो। अगर लेस देन इक्वल टू तो बच्चों कॉमरेजन कहां आता है जीरो की साइड, और ग्रेटर देन इक्वल टू तो कॉमरेजन कहां आता है बच्चों अपोजिट साइड ऑफ जीरो, ठीक है, हाँ जीरो की साइड और जीरो की अपोजिट साइड, है ना। चलो तो अगर मैं आपको बोलूं ये लाइन है और ये जीरो है और ये हमारा कॉमन रीजन है, तो बोलो बच्चों कॉमन रीजन कहां है, जीरो की साइड कि जीरो की अपोजिट साइड, आप बोलोगे सर जीरो की साइड, जीरो की साइड तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। अब बोलो बच्चों ये लाइन है और ये जीरो है और ये कॉमन रीजन है, तो ये अपना कॉमन रीजन है, तो बोलो बच्चों कॉमन रीजन कहां आएगा, बोलो जीरो की साइड की अपोजिट साइड, सर अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ गए बच्चों, अब आप लोग बताना मुझे ये लाइन है ये जीरो है और ये कॉमन रीजन है, तो मुझे बताओ ये कॉमन रीजन कहां है बच्चों, ये कॉमन रीजन लाइन से कहां है, जीरो की साइड कि जीरो की अपोजिट साइड, सर जीरो की साइड, जीरो की साइड तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। अच्छा बोलो बच्चों ये लाइन है ये जीरो है और ये हमारा कॉमन रीजन है, तो बच्चों बोलो कॉमन रीजन कहां है लाइन से जीरो की साइड कि जीरो की अपोजिट साइड, सर जीरो की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। डन बच्चों, क्लियर है पक्का 100%। अगर मैं बोलूं बच्चों मान लेते ये लाइन है, ये हमारी लाइन है, ये जीरो है और ये कॉमन रीजन है, तो ये लाइन है ये जीरो है ये कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन लाइन से बोलो बच्चों जीरो की साइड कि जीरो की अपोजिट साइड, अरे सर जीरो की साइड, जीरो की साइड तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। डन बच्चों, यस बच्चों ये लाइन है ये जीरो है और ये कॉमन रीजन है, तो बोलो बच्चों कॉमन रीजन कहां आएगा लाइन से जीरो की साइड की अपोजिट साइड, सर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। डन बच्चों, आई थिंक यहां तक अभी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है किसी को भी, तो ध्यान रहे बच्चों कॉमन रीजन का जीरो की साइड हो तो लेस देन इक्वल टू, जीरो की अपोजिट साइड हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू। डन बच्चों, क्लियर इतना पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें किसी को भी ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इस पे से क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताता हूं। चलो देखो बच्चों, एक मिनट, चलो देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारा थोड़ा ग्राफ बना रहा हूं यहां पे मैं, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, सबको इतना मालूम है ना बच्चों, ये ओरिजिन पॉइंट है। और आपको सबको ये तो पता ही होगा ना बच्चों कि ग्राफ के अंदर फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना। हाँ एक बार रिपीट कर दूं मैं एक्स वाला पॉइंट, ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन है वो ऊपर ही वाई एक्सिस होती है, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है ना। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों ये ध्यान रहे, है ना। हाँ चलो अब यहां पर देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि हमको लाइन कुछ ऐसे दिए, कोई एक लाइन हमारी ऐसे पास हुई है, रुको मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, मान लेते हैं हमारा कॉमरेजन कुछ इस तरीके से दिया आपको, एक लाइन हमारी ऐसे पास हो रही है, फिर एक लाइन है ना हमारे ऐसे पास हो रही है और एक लाइन हमारी है ना ऐसे पास हो रही है,
चलो ठीक है, ऐसे पास हो रही है। और हमको यहाँ पे बोला है, मान लेते हैं अपना कॉमन रीजन ये वाला है, दिख रहा है बच्चों ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये हमारा कॉमन रीजन है। और ये लाइंस को मैं नाम दे देता हूँ, ये अपनी L1 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। ठीक है बच्चों, L1, L2, L3, L4, आपको क्या करना है, साइन लगाना है। तो मुझे बताओ साइन क्या आएगी। तो गौर से देखो बच्चों, L1 की बात करें तो L1 में देखो, L1 में देखो, बोलो बच्चों, ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ये अपना कॉमन रीजन है। बोलो ग्रीन एरिया कहाँ है बच्चों, L1 से 0 की साइड की 0 की अपोजिट साइड। आप बोलोगे सर 0 की अपोजिट साइड, हाँ अपो 0 की साइड हो तो लेस देन इक्वल टू, 0 की अपोजिट साइड तो ग्रेटर देन इक्वल, अपोजिट साइड तो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। सपना आंसर क्या आएगा बच्चों, L1 में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। डन बच्चों, यस। चलो अब आगे बढ़ता हूं, हमें बात करा L2 के बारे में। तो गौर से देखो बच्चे, L2 में देखो, L2 दिख रहा है, और मुझे बताओ कॉमन रीजन कहाँ है बच्चे, 0 की साइड की 0 की अपोजिट साइड। सर तो कॉमन ग्रीन एरिया तक 0 की साइड है ना, 0 की साइड तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू, हाँ तो ये L2 में आएगा लेस देन इक्वल टू। डन बच्चों, यस। फिर L3 की मैं बात करूं तो बच्चों L3 में क्या आएगा, गौर से देखो, ये L3 अपना, तो L3 की मैं बात करूं तो L3 के अंदर देख लो बच्चों ध्यान से, कॉमन रीजन कहाँ है बोलो, 0 की साइड की 0 की अपोजिट साइड। सर 0 की साइड, 0 की साइड ना, तो लेस देन इक्वल टू आएगा, 0 की साइड तो लेस देन इक्वल टू आएगा, L3 में आएगा लेस देन इक्वल टू। डन बच्चों, अब मैं बात करूं L4 के बारे में, ये L4 है अपना है, अब मुझे बताओ कॉमन रीजन कहाँ है, 0 की साइड की 0 की अपोजिट साइड। बोलो बच्चों, तो आप बोलो 0 की साइड, 0 की साइड तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। डन बच्चों, क्लियर, पक्का, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है कि इसमें किसी को भी। डन बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या, हमको कॉमन रीजन क्वेश्चन में दिया होता है और हमको क्या करना होता है, साइन लगानी होती है। बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अब साइन कैसे लगानी है, ठीक है ना। और कितनी बार क्या होगा कि आपको जनरली इस तरह का यहाँ पे कॉमन, अगर कॉमन रीजन देखो ये बाहर की साइड दिया हो ना, ये बाहर वाला कॉमन रीजन हो, ये बाहर वाला, तो फिर सबके सब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। हाँ, और अगर हमारा कॉमन रीजन ये वाला होता है तो सबके सब लेस देन इक्वल टू हो जाता है। और इन दो के अलावा कुछ होगा तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि कॉमन रीजन 0 की साइड है कि 0 की अपोजिट साइड है। डन बच्चों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो क्लियर है बच्चों सबको, यस। इसके अलावा एक और सिचुएशन क्या होती है कि जब हमारी कोई लाइन है ना वो ओरिजिन में से पास हो, तो मैंने बताया था, जिससे हमको बताऊं आपको मैं, हाँ तो देखो कितनी बार क्या होता है हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। डन बच्चों, हाँ। अब मैंने बताया जब भी कोई भी लाइन ओरिजिन में से पास होगी ना, तो लाइन हमेशा ऐसे पास होगी, कैसे ऐसे, हमारी लाइन ऐसे पास होगी। सॉरी एक मिनट रुको, हमारी लाइन हमेशा ओरिजिन में से जब भी पास होगी तो हमारी लाइन हमेशा ऐसे पास होगी। क्यों, कभी भी हमारी लाइन ऐसे पास नहीं होगी। कैसे नहीं होगी बता दूं आपको, ये ऐसे हम कभी भी, हमारी लाइन ऐसे कभी भी पास नहीं होगी। क्यों, अरे हमने बताया था ना, हर कंडीशन, हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारी कंडीशन होती है, कौन सी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारी हर एक क्वेश्चन में होती होती है। इसका मतलब बच्चों कॉमन रीजन कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट क्वार्टर में। तो कॉमन रीजन फर्स्ट क्वार्टर में कब आएगा, जब लाइन हमारी ऐसे पास होगी, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में से पास होगी। डन बच्चों, हाँ। तो जब भी लाइन ऐसे पास होगी ना बच्चों, तो ये लाइन पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट में डिवाइड करती है बच्चों, एक अपर साइड और एक लोअर साइड, है ना, एक लाइन के ऊपर का हिस्सा और एक लाइन के नीचे का हिस्सा, मतलब अपर साइड एंड लोअर साइड। तो जब भी कोई लाइन ओरिजिन में से पास होती हो तो वो पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, कौन सी, अपर साइड एंड लोअर साइड। अब मुझे बता अपर साइड में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, एंड लोअर साइड में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। बच्चों ये खास आप ध्यान बताओ, मुझे बताओ, इस लाइन के अपर साइड में खाली एक्स और वाई को देखो, लाइन के अपर साइड में वाई क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है ना। तो अपर साइड में क्या हो बच्चों, अपर साइड में होता है वाई पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, है ना बच्चों, यस।
एंड लोअर साइड में क्या होता है, लोअर साइड में बच्चों x पॉजिटिव और y नेगेटिव, लोअर साइड में क्या होता है बच्चों x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। डन बच्चों, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट इसमें? हाँ, तो ध्यान रहे ना कि अपर साइड में क्या होता है y पॉजिटिव x नेगेटिव, लोअर साइड में क्या होता है x पॉजिटिव और y नेगेटिव। डन बच्चों, क्लियर है। अब क्या करना होता है, जब भी कोई लाइन ओरिजिन में से पास होती है तो हमको थ्री स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। कितनी? थ्री स्टेप। स्टेप वन क्या करते हैं, राइट डाउन द इनइक्वालिटी, पहले हमको इनइक्वालिटी लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, उसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं। स्टेप टू क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कॉमन रीजन अपर साइड है या लोअर साइड है। अगर कॉमन रीजन अपर साइड हो तो अपर साइड की वैल्यू रखो y पॉजिटिव x नेगेटिव, और y x में 1-1 ही रखना है, ठीक है इतना। हाँ, y पॉजिटिव 1 x नेगेटिव -1, समझ रहे हो। अब भी वैल्यू रख के चेक करो कि स्टेटमेंट अपना क्या आ रहा है, मतलब देखो फिर चेक करेंगे कि ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है, ठीक है बच्चों। क्लियर है पक्का? आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों यहां पर हमने इनइक्वालिटी चैप्टर का भी हमने अच्छे से पूरा रिवीजन कर लिया है, और यहां पर ही हमारा आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। हमने टाइम वैल्यू अपने के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए, लॉगरिथम के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर दिए। इनइक्वालिटी में बस ये छोटा सा क्यूमुलेटिव रिवीजन है, क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा, है ना। बस ये खाली ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना बच्चों। ओके बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों, तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके, तो आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं बच्चों। हेलो, खत्म हो गया, चलो।